लिट एक गोली मार दो यार, 98 है। MP7 उठा ले रोशन। Nothing ain't easy about this one, bro. MP7 वापिस करना कमीना। I believe in आज you. तो सेव किए थे ना पहले राउंड में, उसे खड़ी दी बोला। आ रहा आ रहा आ रहा, मैं आ रहा। अबे बेट मत करो यार एक दूसरे को, सीधे चलो भागो। बॉक्स नाइस वन, और ये तो मेरे सामने आया थोड़ा सा। चलो फिर मैं भी आऊंगा कल से खेलने, आ रहा हूँ वापस। ओके बोला ट्विटर आ रहा हूँ। चलो बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। इजी कट का 14 किल। हंगिन साला लैग होगा तभी भी इतना लंबा रास्ता लेके आएगा, पता है। ओप ड्रॉप डेड अड्डा। अच्छा बम उसके पास है, मैं अकेला। एक बिलोंग है इधर, वैसे स्मोक करने का कोई फायदा नहीं है। ले फिर वाह, what is the power of Blackbeard? I don't know, what is it? Even I don't know, that's why I'm asking. Oh, I don't even know how to play this Ash, I'm noob. Even I purchased this game yesterday morning. Oh my god, we are noobs, bro. We both are noobs. Yeah, yeah man. Yes, man. I guess the other team has the advantage. Steam sale, jindabad. Sahi bola. इतना टाइम क्यों ले रहा है सिलेक्शन में, व्हाट हैपेंड? सिलेक्शन नहीं यार, वो सर्वर से कनेक्ट हो रहे हैं, उनकी टीम का एक प्लेयर और हमारी टीम का एक प्लेयर। या अपना कनेक्ट हो गया, या हो गया, हो गया, हो गया। चलो वी नीड टू लोकेट अ बॉम्ब, ऐड कर लियो भाई। हां बिल्कुल बिल्कुल, योर ड्रोन हैज फाउंड अ बॉम्ब। अरे ग्राफिक सेटिंग्स क्या है भाई, क्या पड़ेगा रे? ड्रोन हैज लोकेटेड अ बॉम्ब। टेन सेकंड्स, फाइव सेकंड्स। हाइड कर दे किसी जगह पे, उनके कमरे में जाके हाइड कर दे। Bomb location and defuse it. The diffuser is no longer in your possession. The diffuser is now secured. The sensitivity maine kya ki hui hai? Starting mein to bahut zyada hoti hai yaar. Half kar raha hu.
Oh my god! Easy kill tha mere liye ye yaar. Close one, close one. Shit. ए राजा secure the area, keep the bombs protected. Securing the door. Raja mere khwaja kahan pe hai tu? इंडिया का फ्लैग है इस मैप पे. वाओ वाओ द आर्मर. वेयर 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 कहां पे है? मेरे पास आ. ये देख लेफ्ट वाला. ऊपर लड़ाई हो रही है. ऊपर खड़ा वो सड़ी वाला. वर्ड डिसेबल कैसे होगा? कोई बटन होगा. ओह शिट मेरे को पता ही नहीं लगा. डिफ्यूज का नहीं पता यार मेरे को. इस कमरे में बैठा हुआ था ये. हाउ टू स्टॉप बॉम्ब डिफ्यूजल प्लीज एनीवन टेल मी. गाइस इफ एनीवन नोस प्लीज लेट अस नो. चलो एक फ्रेंड और आ रहा है.
मैं तेरे को ऐड किया एक मिनट नहीं मैंने कर लिया था कोई नहीं अच्छा सही है ऑप्शंस में जाके देखता हूँ कंट्रोल्स पे क्या है सेंसिटिविटी 20 पे कर ले मैंने 20 पे की हुई 20 कर ली To locate a bomb. We need to locate a bomb. मैंने actually ये game PS4 पे खेली हुई है. बढ़िया. PC पे मैं शायद दूसरी तीसरी बार खेल रहा हूँ. सस्ती मिल रही थी तो purchase कर ली थी मैंने भी. Stream sales जिंदाबाद. और PC में ज़रा better experience लग रहा है मेरे को. और मेरे को PS4 के कंट्रोल्स याद है मैं इसमें कंट्रोल्स भूल रहा हूँ मैं स्कैन कैसे करना था एरिया एक्स एक्स है डिफ्यूजर इज नाउ सिक्योर्ड यू हैव लोकेटेड अ बॉम्ब मेक योर वे टू इट्स लोकेशन एंड डिफ्यूज इट Fuck my own teammate killed me. Eh? What? Muhammad Kaif killed me. ठीक है किया था. शिट जहाँ पे मैं आ रहा हूँ सामने विंडो पे नियर माय बॉडी नियर माय बॉडी गाइस ये सही पोजीशन पे आई है और ये नीचे को कूद गया एक्सेलेंट ऑप 4 न्यूट्रलाइज्ड मिशन सक्सेसफुल देखो सॉरी बोल रहा है ना ओके ब्रो माफ किया अब क्या होएगा Located a bomb. Get ready to engage. Stay clear.
वार्म अप पर नीचे So what does the fucking armor even do? अबे यार ये क्या भाई ये भी हार गए हद हो गई फालतू प्ले अगेन विद सेम टीम हेडशॉट ले गया प्ले अगेन विद सेम टीम कर दो खेलेगा ना अभी साथ में हाँ हाँ चलो मैं इनवाइट करता हूँ मैंने कौन से ऑपरेटर खरीदे हुए हैं मैंने अभी वो ऐश है मेरे पास और म्यूट है मैंने मेरे की ज़्यादा पीसी पे ज़्यादा नहीं खेला ना तो पीएसओ पे भी नहीं ज़्यादा खेला वैसे पर ये दो अभी दो है मेरे पास मैंने तो यार गलती से वो ले लिया ग्लास स्नाइपर वाला मैं यूज़ ही नहीं करता यार वो मेरे को तो ऐश का बताया था कि ऐश अच्छा है तो उससे खेला करूँ तो मैंने पल्स लिया था वो अच्छा पल्स हार्टबीट सेंस हाँ हार्टबीट सेंस करता है ना वो हाँ सही है एक मिनट डिफेंडर्स का है ये किसका है हाँ डिफेंडर्स का है हेलो पल्स हाँ एजेंट कैसा पल्स एश पल्स डिफेंडर में है वो हार्टबीट से सेंस करता है कि किस पास हो हाँ कहाँ पे है वॉल हाँ सही है एक आधे से ज्यादा एनिमी कहाँ पे है अब हाँ तुम्हें पता लगा फ्यूज एक है जो अटैकर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अगर तुम्हें पता नहीं हुए तो okay. वो बॉम्ब प्लांट करता है अंदर विंडो के अंदर बाहर से बॉम्ब प्लांट करता है सो वो बॉम्ब फेंकता है ऑल अराउंड द एरिया सो पता नहीं लगता है कि कहीं से भी आ जाए मरद मारते और गन से जो मारता है कमरे के अंदर जो लोग छुप जो लोग हाँ बोल रहा था हेलो हाँ क्या कह रहा था हाँ बोल 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 हाँ कैवेरा नॉकडाउन करके कैवेरा नॉकडाउन करके तुम्हें इंटरगेट करते हैं ताकि सारे लोगों अटैकर का लोकेशन पता चले
अच्छा 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 कैमरा हूँ या यानी ये एडवांस ऑपरेटर से जो उनको ज्यादा चार्जेस लगते रिनाउन लगते हैं अच्छा खरीदने के लिए ओके 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 12000 के जो 12000 के जो है वो ये बेसिक ऑपरेटर है थर्माइट एच स्लेज या ये बेसिक ऑपरेटर है ब्लैकबेर्ड बक ये दोनों एडवांस ऑपरेटर है बक के पास शॉटगन प्लस राइफल है ब्लैकबेर्ड के पास है ना फ्रंट फ्रंट शील्ड है ओके और मार सकोगे पहले पहले सब सीखो मरो मरोगे फिर भी सीखो ये टीम अच्छी लग रही है मेरे को ये गेम एक बार हाथ में आ गया ना हाँ। इसका भी लाइव कर सकता हूँ लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकता हूँ मैं तो मदद करूंगा तुम्हें अरे बिल्कुल यार क्योंकि मेरे को अच्छी लग रही है बस मैं एक बार सीख लूँ फिर करूंगा ए एमिंग में एक्सपर्ट हो जाओ बस नहीं एमिंग तो चल ठीक ठाक है पर मेरे को समझ मैप समझना है और कंसेप्ट समझना है कि किससे क्या होता है बस वो दो चार बाहर ये वो दो चार चीजें समझ आ जाए ना बस गेम तो इजी है मेरे पास आओ कहाँ पे आया कैमरा कौन सा पता है क्या तुम्हें नहीं ये यहाँ से वो लोग देखते हैं हमें जब ये लाल हो जाए तब कोई देख रहा है ये देखो Reloading. अच्छा शूट करके डिस्ट्रॉय करना है उसे सही. ये कहीं भी दिखे तो हाँ मैं लोकेशन दो तीन लोकेशन बाहर के दिखाता हूँ इधर आओ एक ये लगा होगा तोड़ दिया ये तो तोड़ दिया चलो ऊपर यहाँ पे क्या बात मैंने एक कैमरा तोड़ा अभी क्या अबे नीचे क्यों कूद गया मैं अंदर स्मोक गैस है जो पॉइजन है अच्छा पॉइजनस गैस है हाँ तू बुलेट डॉज कर सकता है मूव करके मार बस सही सिर्फ स्थिर हाँ सी एस ऐसा मत मार मुंह करके मार ये यहाँ से नहीं टूटता लकड़ी जहाँ लगी है ना वहां से ही टूटता है सही यार टाइमिंग क्या प्रॉपर था उसका वो पिक कर रहा है धीरे धीरे घुमा 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 अंदर है नाइस यही तो करना है बहुत बढ़िया वो उनको लोकेशन पता चल गया है सो बाहर आके भी मार सकते हैं ध्यान से खेल ऊपर जा मरेगा अबे एंटर नहीं नहीं स्टेयर्स पे जा स्टेयर्स स्टेयर्स हां वहां पे धीरे धीरे भाग मत आवाज आता है ऊपर से ऊपर से हेडफोन पावरफुल हो ना तो आवाज बढ़ाओ जरा कैमरा कैमरा उस कॉर्नर में कैमरा निकल वहां से आ गया एक कैमरा आ रही है बाकी नहीं रिक्रूट आ रहा है ऊपर एम लगा के बैठे हैं हाँ यहाँ भी स्टेयर्स है
बस 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 स्लोली स्लोली पीछे देख, यहाँ भी एक डोर है। हाँ धीरे धीरे जाना भाई। तो कितने टाइम से खेल रहा है गेम? 15 सेकंड मैं, मेरा तो 125 लेवल है अभी भाई जी। हाँ जा 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 जा, अब एम लगा के जा। अरे यार ठीक है ठीक है। और ऐश क्या करती है बताऊं? क्या करती है? तेरी आवाज कट गई, तेरी आवाज कट गई। डिस्कॉर्ड पे आऊं क्या? डिस्कॉर्ड आ जा, डिस्कॉर्ड आ जा। सर्वर क्या है? वही टीम एजेंट वाला, मैं लिंक दे देता। अरे मैं नहीं हूं। अब मेरे ट्रैप होंगे। तू क्या बना है? म्यूट। तेरे को ड्रोन रोकना है सब। सो सारे वो म्यूट देख नहीं सकते ड्रोन। मिडल माउस बटन दबा के एंट्रेंस पे लगा, स्टेयर्स पे दोनों उत्तर। मैंने तुम दोनों को डिस्कॉर्ड का लिंक भेज दिया, मेरे की बाद में ज्वाइन करते हैं। टैग किया है वहां लगा, ओ येलो मार्क है ना। मैं कहां लगाऊं? यहाँ पे ये कहाँ पे फंसी है? 10 seconds left. 5 seconds and counting. इधर आ इधर आ. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Deploying barbed wire. Door secured. जल्दी आ इधर, जाने दे वहाँ मत लगा। इधर आ यहाँ। भाई ये किसने किया? क्या ये धमाका? यहाँ पे लगाऊं? यहाँ पे प्लांट कर, जल्द प्लांट करूं? हाँ कर कर। अरे मिले वो सब कुछ मत बैरिकेड करो, भागने के लिए रास्ता चाहिए। ये किसने मार दिया? विंडो से मारा। बार, विंडो विंडो विंडो। ऊपर की तरफ था वो, ऊपर की तरफ। हाँ यार, ब्लैकबियर्ड ने मारा वो शील्ड वाला। देयर कमिंग, देयर कमिंग। विंडो से आएगा एक। राइट शील्ड वाले को कैसे मारते हैं? मेरे को किसने मारा? राइट शील्ड वाले को तो बस एंगल देख के मारना पड़ेगा ना। राइट शील्ड
राइट शील्ड वाले से बच के रहो जब तक कोई एंगल नहीं मिलता है ना, या फ्लैश फ्लैश बैंग करो उसे, और तो क्या हो सकता है। ये नाइट भी है क्या डिस्कॉर्ड में? नाइट क्या? ये तेरा पार्टनर नाइट? नहीं नाइट मैंने अभी इसको डिस्कॉर्ड लिंक दिया, तुम दोनों आ जाओ पर की नहीं नहीं डिस्कॉर्ड पे बात। अच्छा तेरे पर डिस्कॉर्ड नहीं है क्या नाइट? है क्या भाई वो? वो वॉइस सॉफ्टवेयर है, वॉइस सॉफ्टवेयर। हां वॉइस क्लियर आता है, सर्वर ज्यादा है। हां वॉइस एप्लीकेशन है, डाउनलोड होएगा गूगल पर है, लेकिन है ना डिस्ट्रॉय करेगी। उस लिंक से डाउनलोड कर ले, उस लिंक से ही डाउनलोड हो जाएगा, और उसमें साइनिंग साइनिंग वाला पंगा होता है। हां तेरे को अकाउंट बनाना पड़ेगा, सब सारी झंझट है। ये है कहाँ पे? ये रे ऊपर है। Your drone has found a bomb. The diffuser has been recovered. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Drone's up and running. ये वाली विंडो चेक किया करो कभी ऊपर चढ़ते हो तब। कौन सी वाली भाई? वहां से फोड़ के मार। मेरे को इंटरोगेट कर रहे हैं। इंटरोगेट किया क्या उन्हें? ऊपर ही रहो, ऊपर ही। मैं ना जोश में चला गया, मैं सबको मार के आऊंगा, रैम्बो बनूंगा। मेरे को डिटेक्ट कर लिया उन्होंने कैमरों से और मेरे को मार दिया। भाई पहले जानकारी ले, नहीं तो सीएस में मैं भी पंगा ले लेता। मेरे को सीएस नया है। हाँ भाई मेरा एक कॉन्सेप्ट समझ गया मैं इसका, थोड़ा थोड़ा प्रॉपर नॉलेज के साथ खेलना है, अदरवाइज पिटोगे। समझेगा ना सारे ऑपरेटर समझ लेना सब पता चल। और हेडफोन का आवाज बढ़ाओ ताकि उनका मूवमेंट का आवाज है। हाँ मैंने 100% की हुई है। फुटस्टेप्स तो आ रहे हैं मेरे को। मेरा क्या मुझे देखो, मैं ध्यान ध्यान से। इसने अपना बंदा मार दिया। फ्रेंडली फ्रेंडली इडियट। यहाँ पे यहीं से मारा था।
लेफ्ट में लेफ्ट में बहुत बढ़िया एक्सीलेंट भाई तू ट्यूशन कितने में देगा इसकी अरे मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है मेरे को हर एक का वीकनेस पता है अरे 125 यार लेवल पे पहुंचना आसान थोड़ी है सही है यार सही है प्लीज लेट मी टेक पल्स हेलो कौन पल्स ले रहा है मैं ले रहा हूं क्या ले ले पटकी पटकी इज टेकिंग पल्स प्लीज लेट मी टेक पल्स दे ओनली हैव दिस ऑपरेटर्स गिव देम पल्स प्लीज डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन पल्स या ही चेंज किया चेंज किया Thanks, bro. अरे डिस्कॉर्ड पे कुछ क्या हुआ क्या कह रहा है डिस्कॉर्ड पे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है मैं ट्राई कर रहा था अभी तू डिस्कॉर्ड ओपन वाले में है ना मैंने तुझे कॉल मेरे को कॉल किया कॉल क्यों किया आई डिस्कॉर्ड कॉन्सेप्ट जरा नया है मेरे लिए जो तेरे को लिंक दिया था कोई नहीं अभी यहाँ पे भी क्लियर अभी क्लियर आवाज आ रही है अभी Bomb located by Op 4. Wall secured. सुनाई दे रहा है क्या चीज हाँ ठीक है परफेक्ट सही अरे थोड़ा कॉन्सेप्ट नया था मेरे लिए ठीक है हाँ तेरी डिस्कॉर्ड पे आ गई बस स्नाइपर है स्नाइपर नाइट स्नाइपर ध्यान रख विंडो के सामने मत खड़ा रहे स्नाइपर का क्या कॉन्सेप्ट है मैं बताता हूँ वो थर्म हीट सेंस करता है अच्छा तो वो हमारी फुट से वो देख सकता है हमको यस हार्टबीट सेंसर बोला उसने नहीं हीट सेंसर यानी उसको हम ब्राइट दिखाई देते हैं येलो ब्राइट ओके 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 एम जूम होता है ना उसका तो येलो ब्राइट दिखाई देता है मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं सर्वाइवल हूँ अरे इतना भी काफी है भाई मैं एक दो किल कर सके भी मरता हूँ कर दो स्नाइपर वार्निंग दी थी स्नाइपर सॉरी यार बोला था मार दूंगा नीचे है बंदे हैं कभी कभी हेडशॉट रजिस्टर नहीं होता सो ध्यान रखना कि है ना फ्रंट में मत जाओ कभी कभी उनके मैंने गलती की अभी कभी कभी हेडशॉट रजिस्टर नहीं होते मेरा नहीं हुआ अभी अंदर आने देना चाहिए था उसको तेरी शॉटगन इतने दूर से नहीं बैठेगा अरे यार ऊपर जा फ्रंट में जा हाँ आगे जा नहीं नहीं आगे जा यहाँ हैच है तोड़ शॉटगन है तेरे पास तोड़ जंप मत कर तोड़ से पुटकी ने मेरे को क्यों मार दिया अबे फ्रेंडली पुट आई थिंक ये भी न्यू है क्या इतना भी न्यू थोड़ी है ये नूब था छोड़ तू होस्ट कर रहा है क्या मैं हाँ हाँ तो टेक अनदर टीम पुटकी को क्यों ले हाँ वो बैक करता हूँ बैकआउट ले करता हूँ नाइट नाइट हाँ डिस्कॉर्ड एक सॉफ्टवेयर गूगल पे सर्च मारो और डाउनलोड कर ज्यादा क्लियर सुनाई देगा तुम्हारी बात के फुटस्टेप्स वगैरह नहीं नहीं हमारा आवाज
क्लियर सुनाई देगा। नहीं तुम्हारी तो क्लियर ही आ रही है, उसके कोई चक्कर नहीं। ठीक है ठीक है चलेगा। ओके हम आवाज करते हैं और सारे स्क्वाड को झेलना पड़ता है। ये गेम मैं खुद लाइव स्ट्रीम करने का कोशिश कर रहा हूँ। इशू ये है कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इतना। ये जो अभी हुआ वो कोइंसिडेंस था। अरे बस खेल ला कर यार, इतना कुछ नहीं होता। लाइव स्ट्रीम ये सोच के करेगा कि भाई अच्छी दिखनी चाहिए हर बार, तो फिर हो गया भाई। कौन कर लाइव स्ट्रीम? कोई नहीं कर रहा, मैंने कि नहीं। अरे लाइव स्ट्रीम का क्या है कि मैं फिगर आउट कर रहा हूँ एडिटिंग क्या होता है वो वगैरह वगैरह, कुछ नहीं पता मेरे को। मैंने एक ट्राई किया कि लाइव स्ट्रीम मेरा नेट का अच्छा हो रहा है, मेरा 1 Mbps नेट है मेरा, उससे भी कर... अरे नहीं नहीं नहीं, देखो मिनिमम देखो 5 से 10 MB का अपलोड स्पीड चाहिए कंसिस्टेंट। मैंने जो किया था ना उसका क्वालिटी लो था, अब एक अच्छे क्वालिटी का करके लेना देखना है मुझे। उसके लिए देखो अपलोडिंग स्पीड कितनी है, अपलोड कितनी आती है, कितनी आती है, कितनी आती है अपलोडिंग? 600-700 KB आती है ज्यादा से ज्यादा, उससे ऊपर नहीं जाती। 600-700 KB Mbps में कनेक्शन बता। 1 Mbps है ना मेरा? नहीं नहीं, स्पीड टेस्ट करके क्या करता है, स्पीड टेस्ट बताना मेरे को। स्पीड टेस्ट 4 MB बनी मेरा 1 MB का प्लान है, मेरा 1 MB स्पीड आता है उसका। 6-7 MB बनी। डाउनलोडिंग बोल रही है अपलोडिंग? अपलोडिंग अपलोडिंग अपलोडिंग, क्योंकि अपलोड अपलोड वाला काम होता है ना स्ट्रीमिंग का, हम डाटा उन किसी को दूसरे कंप्यूटर में भेज रहे हैं तो हम अपलोड कर रहे हैं। अब तू बंडिट है ना, सुन तेरे को क्या करना है, जो बैरिकेड करते हैं ना हम लोग, हां उसको कोई ब्रीच ना कर सके, इसलिए उसको बैरिकेड को शॉक लगाना है ताकि बाहर से कुछ भी गैजेट लगे ओके तो वो मर जाए। हां पहले ही फूट जाए। सही है। नाइट को तो पल्स पता है। मेरा काम है एक्स्ट्रा कैमरा इंस्टॉल करना, हिडन कैमरा। ओह ओके। वाल्केरी। सिक्योर द बॉम्ब। और ये मैप अभी अभी लॉन्च हुआ है, सो मुझे भी नहीं पता कैसा कैसा वर्क करता है ये। फ्री मिला सबको है? एडवांस मैप बढ़ते जाते हैं, हर सीजन में नए ऑपरेटर आते हैं। एडवांस ऑपरेटर हाँ? मेरे को बता मैं कहाँ पे कहाँ पे लगाऊं? जा पास जाके मिडल माउस बटन दबा। दबा दिया। वहाँ पे भी है, तेरे पास 4 है, यहाँ पे लगा। तू कहाँ पे है पहले तो? इधर है। अच्छा यहाँ भी लगाऊं? लगा। लगा दिया। और कहाँ पे? उस साइड भी लगाया है, लेफ्ट 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 साइड चेक कर। भाई तुम कॉल पे बात कर रहे हो, मुझे आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हाँ हाँ तेरे को इंस्ट्रक्शन होगी तो ऐसे ही बात करूँगा। उसको फटाफट जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। यहाँ भी है। तेरे पास एक एक कम होगा। मैं लगा क्यों नहीं पा रहा? मैं लगा नहीं पा रहा। कितने कितने? एक रह गया ना। हो गया लग गया। खत्म हो गए खत्म हो गए। 4 लग गए। ओ कॉल कॉल डिसेबल कर, होल्ड होल्ड कर कर। 5555 उनको आवाज आ रही है हमारी। ये बंद जल्दी बंद करो तो डिटेक्शन कम कर देता। 5555 की प्रेसिंग 5। होल्ड कर होल्ड कर, अंदर है तब तक होल्ड कर। नाइट ज्यादा मत जा, तेरा नाइट तेरा लेग देखेगा उनको पहले, उनको उनको डिटेक्ट करने से पहले। ऊपर ही है वो, ऊपर छत पे लेफ्ट साइड पे है। यार फ्लैशबैंग मार दिया तुम मुंह पे।
शील्ड लेके पंगा ले रहा था। ये C4 था, C4 यानी सुपर बॉम्ब। नाइट बैग, नाइट बैग। सेंसर डिप्लॉयड। यू हैव बीन स्पॉटेड। ड्रोन टैगिंग हो रहा है वो। ड्रोन से वो टैग कर रहे हैं। लेकिन सेंटर ऊपर है, मेरे ऊपर है वो। ज्यादा पास मत जाओ, ज्यादा पास मत जाओ। फ्रेंडलीज विक्टोरियस, हॉस्टल एलिमिनेटेड। ये वाला, ये वाला बहुत अच्छा गया। तेरी एसएमजी थी ना? हां, एसएमजी से हेडशॉट, एसएमजी से हेडशॉट बहुत फास्ट बैठते हैं, लेकिन है ना डैमेज दूर तक नहीं बैठता। उनके पास अटैकर के पास राइफल रहती है और डिफेंडर एसएमजी होल्ड करते हैं, सो दूर तक शॉट मारने की कोशिश भी मत करना। हाँ, सही है। अभी मेरे से एकेएम वाली क्लास आई है मेरे पास अभी फ्यूज की। फ्यूज विंडो पे डायरेक्ट लगा सकते हो, कुछ ब्रीच करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट मिडिल माउस बटन दबाओ, लेकिन एरिया चेक करके। अभी हॉस्टेज सिचुएशन नहीं है ना, सिचुएशन में प्लांट करोगे तो हॉस्टेज जुड़ेगा। ओ काफी सीखना पड़ेगा लगता है, कम से कम एक दो हफ्ता तो लग जाएगा समझने में सारे मैप्स और क्या करना है, सारे ऑपरेटर समझने में। अभी ऊपर कहाँ से जाना है? Drone has located a bomb. Insertion in 10 seconds. भाई बड़ी अच्छी जगह छुपाया मैंने। किस चीज को? 5 seconds before insertion. The diffuser is now secured. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. नाइट पल से अंदर। सॉरी। ओए ओए। भाई साहा। मैं पैनिक होके मार दिया। अबे मैं पैनिक होके मार गया, मैं पीछे से कूद के आ गया कि ये डाउन था, इसको मारने आ रहा है। भाई ने पैनिक होके मुझे मार दिया। भाई। ओ भाई। मेरे को पता क्या लगा, ये नॉकडाउन है, वो पीछे वो नॉकडाउन है, वो भाग की जल्दी से मारने आया, मैं पीछे मुड़ा। प्रसादी गोलियां।
पहला सीन होगा जब टीचर को वो स्टूडेंट ने उड़ा दिया हो जाता है गलती से सॉरी सर डर गया था अब मैं लेजर ट्रैप लगा रहा हूँ जो ब्लास्ट होते हैं उनकी हेल्थ हाफ हो जाती है मेरे पास 5 है प्रोटेक्ट द बॉम्ब्स मेरे पास क्या है मेरे पास वो है जालिया About that thinking. Down to 10 seconds. Op 4 located a bomb. Protect it. 5 seconds. Op 4 has located a bomb. Surveying. यार मेरे को मैप नहीं पता इसलिए एग्जैक्टली नहीं पता ऊपर से मारता क्या वो ऊपर से मारने का ट्राई करेंगे छुप के रहो सारे प्रो तो गए तुम दोनों बचो पीछे 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 ध्यान से भाई तूने मुझे ही मार दिया वही 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 मैं सोच रहा हूँ क्या हो गया मेरे से राइफल वर्सेस एसएमजी ऐसा ही होता है रिलैक्स बहुत लोगों को सजा सी दी अबे यार मैं पता नहीं टीम किल क्यों कर रहा हूँ इस गेम के अंदर ये पता क्या हुआ मैं ना एक काम कर समझा समझ गया हम एक बार तुझे गवा सकते हैं हम खुद को नहीं गवाना चाहते यार सही है थोड़ा मैं साइड में होके खेलता हूँ एक कॉर्नर कवर ले हाँ। और जब तक है ना कंफर्म शॉट ना मिले मत मार क्योंकि ना फ्यूज है ये फ्यूज जो अच्छे वाला मेरे को फ्यूज लेना पड़ा इसे क्या करना करना क्या होता है आप नहीं बताते drone to locate a bomb. अपनी जगह पे तो नहीं है फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर बाय द वे ये मैं बताना भूल गया क्या इस गेम फर्स्ट फ्लोर यानी ग्राउंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर यानी फर्स्ट फ्लोर अपना फर्स्ट फ्लोर 10 सेकंड ओके तो कोई अंग्रेजी में बोले फर्स्ट फ्लोर तो फर्स्ट फ्लोर यानी नीचे का फ्लोर ग्राउंड फ्लोर द डिफ्यूजर हैज बीन रिकवर्ड यू हैव लोकेटेड अ बॉम्ब मेक योर वे टू इट्स लोकेशन एंड डिफ्यूज ये मेरे पास कुछ चाहिए बॉम्ब से क्या ये फ्यूज का समझ क्या होता है ये
वो प्लांट करता है, मैं दिखाता हूँ। इधर आओ, जंप किया तुमने, इधर आओ। आ गया, कहाँ पे है तू? ऊपर है क्या? नहीं नीचे नीचे आ जा। मैं नीचे आ गया, मैं डिफ्यूजर के साथ खड़ा हूँ। नहीं इधर आ, इधर आ। अच्छा ऊपर, अरे बहुत नीचे। आया आया, मैं ही नीचे आया, रुक। आ गया, इधर आ। बॉम्ब जहाँ पे, वहाँ पे हैच ढूंढो और हैच पे प्लांट करो। हैच तो बैरिकेड किया हमने। मेरी हेल्थ चेक करो इंडियन, पता चलेगा क्या प्रेशर है मेरे पे। मैंने अभी नॉकआउट किया किसी को। तुम जिंदा हो, तुम मरा कौन? नाइट? कोई भी नहीं मरा। ध्यान से खेलो या ऐसा ही खेलना। डरा के रखा उसने, मैंने पैनिक अटैक किया अभी सीरियसली। भाई मैंने किल देखा, मेरा किल देखा, किल देखा। मैं नहीं देख सकता, अभी देख रहा हूँ। जो भी था मैं मैनेज कर गया। मेरी गेम फ्रीज हुई पड़ी है भाई, गेम क्रैश हो गई। मेरी गेम ही क्रैश हो गई, वो शॉट देने के बाद गेम क्रैश हो गई। क्रैश हुई, लेफ्ट किया तूने। हाँ हाँ ठीक है, लास्ट राउंड है, रुक जरा। वो जीतेंगे या हम जीतेंगे, 3-5 अभी तो। ओहो क्या टाइम पे क्रैश हुई। रुक रिजल्ट बता दो। बैरिकेड हियर, ऑल दिस वॉल ब्लॉक देम फ्रॉम हियर। नाइट भी क्रैश हुआ? अरे यार नाइट भी नहीं है, नाइट है तेरे सर? नहीं नहीं मेरे तो नहीं है, डिस्कॉर्ड पे आई नहीं। नहीं नहीं रीइंफोर्स योर, एनीवन हैव रीइंफोर्समेंट? Guys, be careful. At least take one kill with you. I don't know where to hide, which is a safe thing. It's a hatch.
Okay, it's a good cover. You can hide here. Someone's gonna fuse. यार पूरे लगे पड़े हम सब लोग अंदर फंसे और बस राह देख रहे कब मौत आ जाए. Sniper, sniper, lie down. Good job, good job. You tried very hard. Nice thing. क्या जीत गए? नहीं घंटा. Encouragement के words होते हैं. चल सही है. नहीं लेकिन वो दो लेके गया मैं एक भी नहीं मार सका. ये भी ठीक है. अरे मेरे भी चैलेंजेस है और तेरे को भी थोड़ा हैविंग मिल जाएगा. चलेगा क्या कि नहीं? जाने दे, कैजुअली खेलते. एक कैजुअल फिर एक टेररिस्ट ऐसे कर ले. लेकिन दो तीन तो खेल ही सकता हूँ मैं अभी. By the way, shift F2 दबा. हाँ दबाया. Group challenges पे क्लिक कर. कौन से groups पे? Club challenges. हाँ किया. उसमें classic एक है, weekly एक है. Weekly पे क्लिक कर. Weekly पे क्लिक किया. हाँ ये जो सब लिखा है ना, लिखी पड़ी. हाँ. उसके coins मिलते हैं ताकि जल्दी जल्दी operator खरीद सको. Okay तो add कर लो इन सबको. हाँ. अरे यहाँ ऑपरेटर तो सिलेक्ट कर. शिफ्ट F2 से एस्केप कर पहले. अच्छा ऑपरेटर से शिफ्ट F2 फिर से दबा और ऑपरेटर ले ले. ले लिया. ये MP5 ये बेकार ही लग रही है मेरे को. ये दूर तक नहीं मार सकते लेकिन हेडशॉट के लिए बहुत अच्छी है. अच्छा दूर तक. म्यूट है मेरा. और म्यूट की क्या वो थोड़ी अच्छी है. वो स्टेबल है. मुझे लगा बंडिट हो तुम. नहीं नहीं नहीं. अब अंदर सेटिंग में माइक जाके बंद कर दो गेम के. ओके नहीं गेम शुरू हो जाएगा अब. ऑडियो ऑफ. पुश टू टॉक. पुश एहे ऑप्शंस निकल गई. अब बंद कर दे. ऑडियो पुश टू टॉक कहाँ पे आ रहे? ये रहा. यू दबाने के बाद अब तुम टॉक कर पाओगे. अब नहीं. हाँ यू था. यू
ओके और हम डिस्कॉर्ड पे अब बात कर सकते हैं ना इसे हाँ मेरे को इस मैप का नहीं पता अरे कोई भी मैप नया होगा अभी तेरे लिए कब लिया गेम खरीदे हुए तो हो गया टाइम लाइक मंथ हो गया खरीदे परचेज किए हुए बट खेल में चौथी पांचवी रह रहा हूँ लाइक ज्यादा नहीं खेला मैं हाँ पहले तो डर लगता ही है क्या चीज क्या है कॉन्सेप्ट क्या है मेरे को तो एक्चुअली मेरे पास PS4 में भी है ये गेम PS4 हाँ तो PS4 में मैं कल खेला था अपने दोस्तों के साथ तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऐश अच्छा है स्टार्टर के लिए वगैरह वगैरह तो उस चीज में ऐश क्विकर है एम ज्यादा फास्ट लगाता है लेकिन हेल्थ कम मेरा इंटरेस्ट बिल्ड अप हुआ कल ये गेम डेफिनेटली टेंशन बढ़ाएगा सब ब्रॉडकास्ट में भी सबका CS में क्या होता है सीरियस नहीं होता है ना तो सब मजा मजा में जाते हैं गालियां बिलियां सब होती है बराबर कि नहीं इसमें कंसंट्रेशन बहुत बड़ी में रहती है हाँ कंसंट्रेशन और तेरा दिमाग लगता ही लगता है अगर है ना लोग वहाँ से सजेस्ट कर रहे हैं तो है ना फिर भी तेरे को तेरे डिसीजन पे कायम रहना सीखना होगा इतना डेंजरस रिस्क है क्योंकि वो बाहर से कुछ भी बोले उनको सुनाई थोड़ी दे रहे हेडफोन तो टाइट तूने पहने मेरे को मार मेरी वाली विंडो पे वो नेट फेंक रहा है मेरी वाली विंडो से बाहर इडियट अनदर इडियट देखा मेरा नसीब तूने चेक किया क्या फ्यूज नहीं फ्यूज से मरा हूं मैं कैमरा जला रहा था भाई तू बाय द वे मर के भी टैग कर सकता है मैं वही करने लगा था हां कौन है ये गेम के अंदर है लीव ये क्या था फ्यूज ने हॉस्टेज को उड़ा दिया पीरो यू आर पीरो फ्यूज ने हॉस्टेज को उड़ा दिया वी वन ग्लोबल चैट कैसे होती है नहीं सबको नहीं सुनाई देता तेरे टीम को बता सकता है चैट वो लिखने वाली टाइप कर सकते हैं टी से ग्लोबली टी से इतना रिएक्शन टाइम क्या करूं अब लॉल लिख रहा क्या करूं भाई लेट हो गया पार्टी में लेट जंप किया पर है कि मजा आ गया वाई से प्राइवेट चैट है मतलब टाइपिंग के लिए और टी से ग्लोबल चैट हाँ पब्लिक टॉन्टिंग बोल रहा हूँ सही है इसलिए यूज करते हैं भाई और क्या और दूसरी टीम से बात करना तो हमारे की बना की तंग करना उनको टॉन्ट मारना अरे बहुत टॉन्टिंग होती है बहुत CS में तो गालियां पड़ती है ना यहाँ पे तो बहुत टॉन्टिंग किसी कोई लेट लोड हो रहा हो ना उसको गालियां पड़ती है तेरा पोटैटो पीसी है तेरा ये है बाय द वे मैंने तेरा सेटअप देखा कितने में पड़ा अच्छा तो वीडियो देखी बोल मेरे को मैं ध्यान तो दे रहा हूं अरे मेरे को 2 का पड़ा है पूरा अरे यार मेरे को कमाना पड़ेगा उतना हाँ भाई हाँ मेरे पापा को प्रूव करना पड़ेगा पहले कि मैं कुछ तो अचीव कर सकता हूँ फिर मैं मुझे खरीदना पड़ेगा तो ये तो हो भाई है डेफिनेट नहीं तेरे को व्यू मिल रहे हैं मेरे का मेरे मुझे प्रॉब्लम क्या है मेरा वॉइस का इशू क्या हुआ वॉइस का क्या इशू इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ 10,000 पब्लिक के सामने अरे नहीं रे कॉन्फिडेंस तो अपने आप आ जाता है देखो लगता है मैं कॉन्फिडेंस था घंटा मैं तो मेरी तो पहले ही फटी होती थी वो तो है कि बस मैंने कह दिया कि गेम तो खेलता ही हूँ साथ साथ कोई गेम खेलता है मेरे को देखेगा भी तो मेरे को खुद को अच्छा लगेगा बस ऐसे ही स्टार्ट हो गया इन चीज़ों पर तो इतना है, वो करते नहीं है भाई मैं गेम खेलने का मन कर रहा है खेल लो बस ये सोचो कि कोई है नहीं बस चैट्स पढ़ रहे हैं बस अरे नहीं रिस्पॉन्ड भी करना पड़ता है ना वो अरे
देखो बताऊं एक दो बारी की बात होती है। ऊपर से बहुत ऊपर से मार रहा है। म्यूट म्यूट मार रहा है। बहुत ऊपर दिया भाई इसको। माइनर एंगल ले लिया उसने और ऊपर से मार। मैंने होस्टेज मार दिया। मेरे ओ मैंने भी वेल टिट फॉर टैट आई गेस। ओ भाई ओ माय गॉड फॉरगेट इट। मैं हंसू या तेरे को समझाऊं ये वो पता ही नहीं चल रहा मेरे को। देखो तो मैं तो आ शुरू 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 में गिल्टी फीलिंग आता है। वो ना मेरे को बैंड वो होस्टेज नहीं दिखा, मेरे को बंदा की मूवमेंट देखी, मैंने गोलियां बरसा दी। गलती ये हो गई। मैंने देखा मैंने डबल किल ले ली, मैं खुश हो रहा था, पता लगा होस्टेज है वो तो। ए हिम लिखना था, मी कैसा लिख दिया मैंने। डोंट गिव हिम अटेंशन। छोड़ यहाँ प्रेशर में जॉब चल रहा है। लेकिन ये सीरियसली मिलिट्री लगता है ना क्या? ये कोई मिलिट्री ड्यूटी कर रहे हैं हम लोग। हाँ वही मेरे को अच्छी लगी है भाई। मेरे को स्टार्टिंग में समझ नहीं आई थी बट अब मेरे को समझ आ गई है। और हाँ इधर तेरा आर्मर पड़ा है यहाँ पे, चेस्ट पे ज्यादा गोले खा सकेगा। ओ ये भी अच्छा है। ये एबिलिटी है किसी की? ये मेरा है, मेरा एबिलिटी है। ओहो रुक रुक मतलब मत रुक का नाम रुक। भाई साहब यार ये हैच कोई बैरिकेड करता तो बेनिफिट उनको नहीं मिलता। कौन सा कौन सा कौन सा? ये ऊपर जाके करना पड़ता है। मैं कराता हूं ना जाके। मरेगा लेकिन अभी पिक करेगा तो मैं कवर करता हूं तेरे को। मैं ऊपर हूं, ये वाला हैच ना ये रहा। हां कर दे। अरे दोनों तरफ से चेक कर लिया है उन्होंने। विंडो ब्रीच क्यों किया उन्होंने? अच्छा पल्स पल्स ने किया करके रखा है। मेरे को आवाज सुना दे, सुनने दे। यहाँ पे कोई नहीं है। उस साइड पे उस साइड है सब। कोई कैमरा फोड़ा किसी ने अभी? कैमरा फोड़ा? हाँ मेरे वाला कैमरा फोड़ा किसी ने। ले मैंने उसे फोड़ डाला। कहाँ था वो? कहाँ था वो? आईक्यू थी। आईक्यू मतलब वो गैजेट डिटेक्ट करती है। ओके ओके ओके। उसको मार दिया मैंने, बाकी के सब लोग अब वेट कर रहे होंगे। चेक करने दे। और बाय द वे आज मैं फॉर्म में हूँ इसलिए ऐसा हूँ। कभी कभी मैं न्यूबी बन जाता हूँ क्योंकि ये पूरा फोकस पे गेम है ना, तो फोकस हर बार नहीं मिलता ना। ये तो ट्रू है। CSK है देन CS रिफ्लेक्सेस पे। रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स रिफ्लेक्सेस पे हाँ। ये टैक्टिकल है तो यहाँ पे कभी कभी मूड इतना खराब हो जाता है, मतलब मैं सैड हूँ और खेलना शुरू किया और मैं रोने लग गया फिर बाद में। यार सब लोग लेट आर्मर क्यों ले रहे हैं? अभी अभी पॉइंट्स मिलने लगे मेरे को। बाय द वे तू तेरी गन कस्टमाइज कर सकता है, ये तेरे को पता है? हाँ मेरे को कल ही पता लगा ये जब उनके साथ खेल रहा था मैं। यहाँ पे कौन है? वो गेम क्रैश हो गया क्या? नहीं नहीं। ओहो मेरी हो गई। छोड़ मैं समझ गया क्यों हो रहा है। क्यों क्यों है? मैं ना मैं स्ट्रीम भी कर रहा हूँ साथ साथ। स्ट्रीम का कुछ नहीं है, तू कोई गेम बूस्टर लगा रहा है क्या? नहीं गेम बूस्टर जैसे मैं ओवरक्लॉक किया हुआ जीपीयू को। ओवरक्लॉक कर? हाँ अभी उसको अंडरक्लॉक करके देखता हूँ। या तो मैं बहुत फॉर्म में आया हूँ। आज का नशा चढ़ गई है मेरे को। लत चढ़ गई है आई डोंट नो, क्योंकि मेरे हर हर शॉट
सोचा हुआ बैठ रहा है, मतलब मैं माइंड से खेल रहा हूँ ऐसा लग रहा है, हाथ तो सिर्फ एक क्या बोलते हिंदी में मुझे सोचा ही नहीं दे रहा, मैं मराठी हूँ ना। अच्छा हाँ, फॉर्म में आज तो फॉर्म में फुल। हाँ ये तो अंग्रेजी हुआ, हिंदी में क्या बोलेगा टू हैव फुल ऑन। अरे भगवान वही तो इशू। अब तो मेरे को गूगल करना पड़ेगा भाई, अब तो बेइज्जती हो गई। ए गेम तंग ना कर मेरे को। ले चार किल मेरे हो गए। अरे ये देखा कैसे मारा मैंने साले को, लगा मैं नीचे स्टेयर पे मारने लगा। अरे ये मैं कनेक्ट नहीं हो पाऊंगा ना तेरे साथ है ना। नहीं ना वही तो इशू है, ये गेम का वही एक बेनिफिट है, डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है कि चालू मैच में तू नहीं घुस सकता। डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है, तू ब्रॉडकास्ट कर रहा है अभी क्या? नहीं नहीं मैं प्राइवेट ब्रॉडकास्ट करता हूँ, सो दैट कि मेरे को पता लग जाए कि स्ट्रीम बीच में खराब तो नहीं होती अगर मैं किसी दिन रेगुलर अच्छी वाली स्ट्रीम करूंगा तो। मैं हमेशा कोई न्यू गेम होता ना एक बार प्राइवेट स्ट्रीम करता हूँ कि मेरे को पता लग जाए कि गेम क्रैशिस हो रही है या पहले, ये पहले डर के फ्यूज नहीं करेगा। अरे यार, अरे लीव कर यार, अब आजा। मैंने अभी अंडर क्लॉकिंग किया तो अब नहीं होना चाहिए क्रैश। नहीं वो गूगल पे चेक किया क्या तूने? एक बार गूगल पे कंफर्म कर ले, मैंने लीव तो किया है। हाँ मैंने क्या चीज चेक करूँ? गूगल पे जाके चेक करवा रेनबो सिक्स सीज क्रैशिंग, तो कई सारे मेथड्स मिल जाएंगे, वो फॉलो करके देख। मैं अच्छा, वैसा अच्छा, ही सर्च मारता हूँ क्योंकि ये ना क्या होता है कभी कभी सिस्टम कोऑपरेट नहीं करता, रैम कभी कभी शायद कम पड़ जाता है या ग्राफिक कार्ड का कुछ तो नहीं कॉम्प्रेशन का। मैं तो 1080 Ti भी लगा सकता हूँ लेकिन अगर मेरा रैम या ये कोऑपरेट नहीं करेगा तो गेम क्रैश होगा। ऐसा मेरा कई बार हुआ है, मेरा 2GB रैम था पहले मेरा, मतलब कई गेम ऐसे ही क्रैश हुआ है। कभी कभी रैम है ना कोई हेवी प्रोग्राम में बिजी हो जाता है। तेरा कोई हेवी प्रोग्राम चल रहा है पीछे? स्ट्रीम, हाँ ऑब्वियस स्ट्रीमिंग। और तेरी रैम 16 है? 32 बहुत तो हुई, वही तो होना नहीं चाहिए। मेरे को लगता है ये जीपीयू है क्योंकि जीपीयू बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ मैं भी साथ साथ कर रहा हूँ। How to fix crashing? पहले ना problem detect किया कर। अगर ना तेरा problem उससे match हो रहा है। मैं बताता हूँ problem क्या है। जब भी कोई frequent movement करता हूँ ना game freeze हो रही है। हाँ problem fix for game freeze। हाँ ये लिखा है कुछ। पर ये 2016 का article है। क्योंकि ना तू क्या कर सकता है? Uplay में जा। हाँ अगली बार। हाँ उसको। ना उसमें setting में जाके FPS on कर दे ताकि check कर सके। Display FPS counter। हाँ। मैंने स्ट्रीम वाला ऑन किया हुआ वैसे। चेक पता चल रहा है क्या तेरे को? हाँ हाँ उसमें 120 फ्रेम्स आ रहे हैं। हाँ तो तेरा FPS का कोई इशू नहीं, मतलब पीसी का कोई इशू नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर बीच में आ रहा है फिर? वही 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 तो समझ नहीं आ। चलो अब देखते हैं क्या करता हूँ, अब फिर से क्रैच होती है तो देखता हूँ मैं। तो मैंने तेरे को इन्वाइट किया? नहीं नहीं मैं बाहर पड़ा था, तेरा सोल्यूशन ढूंढ रहा। फिर से क्रैश नहीं होगा, होना चाहिए अभी। हाँ यार अगर अब हो गया मैं तो सोने चले जाऊंगा, सोने नहीं देख के सोने जाऊंगा कि भाई सॉल्यूशन क्या है इसका। और है ना तेरे को अगर फाइंड आउट करा किसी सीच प्लेयर को तो फॉलो करके देख। मैंने किसी न्यूकेम डुकेम को फॉलो किया है लेकिन मैं इतना नहीं देखता उसका क्योंकि मैं खुद एक्सपर्ट हो गया हूँ। हाँ तो क्या क्या मैं एक्चुअली मेरा इशू ये है मैं रैंक में कभी गया नहीं। रैंक में अगर 5 लोग होंगे तो जाने में भला ही है क्योंकि अच्छा 5 लोग के 5 अच्छे होंगे। हाँ हाँ कोऑपरेशन बढ़ता है ना, तू मरा कहीं पे तो तू उसको बोल सकते हैं मैं यहाँ पे इसके सामने मरा। वही वही मैं समझ गया कि भाई कोऑर्डिनेशन चाहिए कि भाई 5 लोग 5 लोग इसमें अदरवाइज। और इंडिया में ये सीएस का माहौल है, ये तीज इंजीनियर्स को पता है सारे जो रात में बैठ के जगते हैं। कभी कभी ऐसी टीम भी साथ में आती है, दोनों लोग हिंदी में बात कर रहे हैं।
तो मैं पूछता हूँ कहाँ से हो क्या है, तो बोलता है इंजीनियर हो, उसने पूछा था, नहीं मैं हूँ बोल रहा है अट कोई सी एस छोड़ता ही नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा था इंजीनियरिंग लोग ये इस पे मरे कि जो कॉलेज वाले होते हैं तो साथ में बैठ के खेलना पसंद करते हैं, पर सी एस गो वाला स्ट्रेस नहीं पसंद जिसको, क्योंकि उसके अंदर बहुत एक्यूरेसी मांगते हैं, है ना इसके अंदर सी एस गो का मैंने फिगर आउट किया कुछ, उसके अंदर एक्यूरेसी बहुत है यार, उसका एक्यूरेसी बहुत मांगते हैं, उतनी तो एक्यूरेसी मुश्किल है, बुलेट लिटरली बहुत ऊपर बैठती है अगर कंटिन्यूस मारने लगे तो, तो वो मैंने फिगर आउट किया और कितने तो मैच जीतने लगा। इशू ये है कि वो रिफ्लेक्सेस का गेम है और मैंने पहले सीज खेलना शुरू किया इसके अंदर रिफ्लेक्सेस नहीं है, इसके अंदर तो भाई स्ट्रेटजी है पूरी, पूरी स्ट्रेटजी है, हाइड स्पॉट्स भी है, सब कुछ है, वही वही वही। हाँ, मैप के वीकनेसेस चेक कर यूट्यूब पे ताकि तेरे को बेटर गेम प्ले मिले। मैंने कितने तो टैक्टिक फॉलो किए, एक बार कैवेरा से 5 लोगों को घायल कर दिया था भाई। कैवेरा की क्या एबिलिटीज है? कैवेरा के पास जो पिस्तल है वो क्विक शॉट है, ओके, भरा वन शॉट वन किल है, जल्दी जल्दी नहीं जल्दी जल्दी मारती है, मतलब अच्छा अच्छा मशीन टाइप है, 5-6 तो मारने ही पड़ते हैं ऑफ कोर्स। मैं यहां पे, अरे यार कैम लगा देता हूं, ये अच्छा कैंपिंग स्पॉट है, तेरे को पता है ये कहां है मैप? नहीं नहीं, मेरा इशू ये है कि लेट मी चेक, विंडो से वो लोग राइफल से एम कर रहे होंगे, हम से पंख, सो जब तक अंदर ना आए तब तक, अरे बैरिकेड क्यों नहीं कर रहे थे, तब तक मैं तो बोल रहा हूँ कि पंगा मत लो, सारी विंडोज है यहाँ पे, कहीं भी नहीं छुप सकते। पीछे हो, मत कर पीछे हो, पीछे मेरे को कैप बनना नहीं, हाँ बस एस्केप प्लान रेडी रखना चाहिए हमेशा हमेशा। मैंने अभी ब्रिज किया ना, वहां से भाग के घूम के मार सकता हूँ। ये रख क्यों नहीं पा रहा मैं अपना शॉक वाला, वो लकड़ी पे नहीं लगता, वो लोहे पे लगता है, यहाँ पे लगा, Stairs, they're coming from stairs. Hey, window! Arre yaar, neeche se mara. Nahi. Arre yaar, window se mara. Window hi weakness hai is map. Bandit. Yeah, mere ko na prone hona nahi aata tha iske andar. शील्ड से पंगा लिया क्या तूने? I guess वो ऊपर से लटक के आ गया भाई, स्पाइडरमैन बन के। अरे सारे नूब है अपने टीम में, हर एक कोई लेट रिएक्ट कर रहा है। अरे प्रोन, इसमें प्रोन कैसे होते हैं? जेड से प्रोन होते हैं? अरे हाँ वो तो बताना भूल गया, सी से बैठते कंट्रोल से प्रोन होता है, कभी कभी ना शूट करते करते कंट्रोल दबाना चाहिए। सही है, हाँ मैं वही में फंस गया था मैं। कोई नहीं, पहले तो होता है। एक्चुअली मेरे को ना PS4 से कंट्रोल्स पता लग गए थे कल परसों, पर अभी PC से इतने कंट्रोल्स नहीं आ रहे। सारे नूब बैठे हैं यार, हेडशॉट भी नहीं दे, ये इसको एक्यूरेट शॉट था, अभी तो मर गया, अब मरेगा, ये राइफल है उनके पास, मरेगा डेफिनेटली मरेगा। ओ अरे विंडोज ही वीकनेस है इस मैप का, मतलब ऊपर नीचे बहुत सारे एंट्रेंसेस है, विंडोज ही वीकनेस है। चल यार थोड़ा ढंग से, अब मैं मारूंगा बंदा, अब हमको पता लग गया, अब करे मारेगा बेटा फैजल। और ये क्या सारा कुछ ले गए? ओहो मेरे पास रिक्रूट ही आ गया। को क्या चाहिए? हैं मेरे पास, चल मैं छोड़ो, मैं एक को कौन ऐश चाहिए है, आयशा रिक्रूट इंडियन ऑपरेटर, कैन यू गिव इट टू मी फास्ट, ये पट पट ले लो, दे 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 दे
कोऑपरेट करना चाहिए, बोलेगा तब पता चलेगा ना उनको। सुनते हैं ये लोग हैं, सही है। मतलब यहाँ पे जरा सेंसिटिव टीम से सीएस पे गालियां देने वाली टीम है, तो मैं एंजॉय करता हूँ कभी कभी। सीएस में मुझे बहुत देर में पता चला, मैं सीज खेल के एक्यूरेसी पे ध्यान दे रहा था कि हेडशॉट बैठेगा वगैरह वगैरह, तो सीएस पे गया तो अरे सीएस अब तो बोरिंग है यार, इतने भी इंटर्न है। उन्होंने मैप ऐड करने चाहिए यार, क्योंकि वो करते हैं, वो करते हैं, पर वो कॉम्पिटिटिव के लिए नहीं करते वो। नहीं, ये जो मैप ऐड करते हैं ना, वो किसी कम्युनिटी ने बनाए हुए होते हैं, वो लोग मेहनत नहीं लेते उस पर। वही इधर 20 साल से वही मैप चल रहे हैं। हाँ, 20 साल से वही मैप, थोड़ा कुछ ऐड करके चल रहे, तो थोड़े ऐड करने चाहिए। और कुछ मैप तो कट भी कर दिए, मेरे फेवरेट मैप थे। अरे मारा मारा, अभी और मारेंगे। मेरे को डाउट था कोई तो है यहाँ पे। मेरे को कंफर्म डाउट था कोई तो है यहाँ पे। अरे यार, कोई तो है अंदर है। मैं पूरा बॉडी एक्सपोज कर रहा हूँ पागलों की तरह, पीछे से भी आ सकते हैं, भरोसा नहीं। ड्रोन निकालो, एक काम करो, तुम्हें मैप में पता, ड्रोन निकाल के चेक करो और टैग करो। एक्स एक्स करो। हाँ नहीं, मैं नहीं कर पा रहा, तो ड्रोन दोनों खत्म हो गए शायद। हाँ, तोड़ दिए। मैं चेक करता हूँ, इशू ये है कि मैं टैग हो रहा हूँ, कोई तो है अंदर। कहाँ पे लेवियर? कैन यू प्लांट लेवियर? स्टार्ट ब्रीचिंग दैट विंडो। क्या बात है भाई साहब, जीत गए। अब तो हम भी मारेंगे। स्लो करने के लिए डालते है वो, दो बार मिली कर सकता है वी दबाने के बाद, मतलब दो बार मिली करने के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके ओके, बैरेड वायर। ओके ओके, बारबेड वायर। अरे अरे, रंग ट्विस्टर्स। नहीं नहीं, आदत पड़ जाती बाद में। मैं मेरे को एक डैश करके है, बच्चा है 8 साल का। हर रोज पूछता है, क्योंकि उसको फेसबुक फ्रेंड बनाया मैंने। अच्छा। हर रोज पूछता है कि आ रहे हो क्या, आ रहे हो क्या, आ रहे हो। तो उसे कभी कभी टीम स्पीक पे, मतलब यही डिस्कॉर्ड जैसा टीम स्पीक है, तो उस पर बात होती रहती है। हाँ, टीम स्पीक। हाँ हाँ, मैं सुना। मेरा एक्सेंट थोड़ा सा यूज्ड हो गया, थोड़ा सा। मैं प्रोफेशनल बातें नहीं कर सकता। मेरा पंगा ये है अभी। मेरे को पता नहीं है उनकी साइकोलॉजी क्या है, वो कैसे खेलने वाले क्या है, इसलिए मैं थोड़ा डर रहा हूँ। नहीं यहाँ से नहीं, क्योंकि हमने उनको चांस ही नहीं दिया एक्शन का। हमने डायरेक्ट अटैक, तो मेरे को डाउट है कहाँ से आएगा।
देखते थोड़ा कैमरा चेक कर लो। ए फ्रंट तो तोड़ दिया उन्होंने, वहां से आ रहे क्या? ओके बाहर है, एक बाहर है, कैमरा तोड़ा उसने। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखो, एक बार एक्सपर्ट हो जाए तो टैग करना बंद कर दो, क्योंकि तुम डायरेक्टली हेडशॉट हो सकता हो। हम नहीं, हम ध्यान दे रहे हैं तुम पे और वो स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे, समझे? मैं तो कैमरा जो मेरे को विंडो से डाउट आ रहा है यहाँ पे। ये मेरे को मार के रिवाइव करेगा, मेरे को मार के रिवाइव करेगा। रुक रुक, मेरा इशू ये है कि अभी मैं स्टक हूँ, वो एम कर रहा है ना, तो मैं बीच में। देख ना मेरे सामने बंदा है, तू हाइड हाइड हो जा ना, तू फाइनल रहेगा ऐसा कुछ कर। स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है सिचुएशन के हिसाब से। अभी 100 है। स्नाइपर है, स्नाइपर है, स्नाइपर है। मेरी 4 लाइफ है अब। मेरी भी 4 है। मैं तभी तो बोला मेरे को मार के रिवाइव कर। चलो देख, मैन ऑफ द मैच, 5 किल्स साले। 5 किल है मेरी। ओए हां, क्योंकि तूने ही सारे किल किए। नहीं नहीं, एक तो तूने लिया। हां मैंने लिया, बराबर। हां हां, अगर 5 किल किया ना तो सारे एसएस चिल्लाते, एसीएस। बता देता हूँ, कोई बोला एस हुआ क्या या वगैरह, बता रहा हूँ, इसकी भी अपनी लैंग्वेज है ना। अच्छा, मेरे को रेक्ट मतलब क्या पता नहीं चला अभी तक। रेक्ट, गेट रेक्ट। हाँ गेट रेक्ट मतलब कि तुम बहुत इजी मर गए, या तुम्हारा नूब एम था, मर गए। गेट रेक्ट मतलब कि दो मतलब होते हैं इसके, कि तुम बहुत इजीली मर गए। और यहाँ पे सीधा सीधा इजी डाल देते हैं, कभी मैच इजीली मिल जाएगा। इजी इजेड, इजी पीजी। सबसे बिगेस्ट इशू है रैंकर जब कैजुअल ज्वाइन करते हैं तब। अच्छा, प्रोफेशनल रैंक। अरे पीक नहीं करने देते थे, ऊपर मेरे को डाउट है। हाँ ऊपर ही है, ऊपर ही है, जहाँ पे हम बैठे थे वहीं पे है। नहीं कोई ऑपरेटर घूमेगा ये डाउट है पूरा मैप। 5 सेकंड्स टू गो, नीचे रख रहा हूँ ड्रोन। द डिफ्यूजर हैज बीन सिक्योर्ड, प्रोसीड। मेरा तो टूट गया, मेरा तो। अरे उनका डेस्परेट कर दिया ना, थर्ड बिन अपना। अभी मरता तू साले, हेडशॉट होता। ओहो लेट सेकंड शॉट था कैमरा के लिए। यहाँ पे भी कैमरा है, मैं दिखा रहा हूँ, तू जाके शूट कर। मेरे को बता कहाँ पे वो, वहाँ पे नहीं है कैमरा। रुक मैं देखता हूँ, मेरे को पता है वहाँ पे है। यहाँ पे कैमरा नहीं रे। अरे वाइट वाइट बार नहीं। अच्छा अच्छा, दिखा दे 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 दे, तोड़ दे, तोड़ दिया। इन्होंने तो अच्छी अच्छी वाली वो लगाई है, क्या बैरिकेड। मेरे को इशू ये है कि कोई नीचे है बैकअप के लिए, मेट्रो नहीं कर रहा है। इतना इजी नहीं हो सकता, देखा, ध्यान से खेल, चाहिए तो ड्रोन निकाल सेकेंडरी, लेकिन है ना छुप के मार। ओ ओके, उनकी स्ट्रैटेजी पर स्मोक है। स्मोक किससे निकालते हैं स्मोक? स्मोक यानी बॉम्ब ही रहता है उनका, स्मोक बॉम्ब। अच्छा उनका स्मोक बॉम्ब है।
के अंदर ही है, विंडो के अंदर। चलो मैं अपना एक्शन टाइम शुरू कर रहा हूं। ये दोनों ही है। देख चमारी हट। साला राइफल स्टेबल नहीं था। राइफल का वो एक बंदा है, उसके पास एसएमजी है ना, वो स्टेबल होगी, लेकिन मेरे पास जो राइफल है हाँ? वो टाइम लेगी। जितना ज्यादा जूम लगाएगा उतना अनस्टेबल राइफल होगा तेरा, समझा? तो है ना, तेरे को माउस पे कंट्रोल है तो हाँ? राइफल ज्यादा जूम की लगा। मैं रेड डॉट से शुरू किया था भाई। अरे कभी कभी अरे टाइम ये होता है ना, मेरा अभी गैप पड़ा था इसलिए तो एम का पूरा लग गया, मेरा फॉर्म उतर गया। अब कितने बंदे हैं उनके? ज्यादा रह गए हां। अबे मैं ठीक है ठीक है ठीक है। अरे मैं इधर कॉर्नर पे देखता यार, मैंने कहा था ना ड्रोन कर पहले, तेरे को स्ट्रेटजी पता चलती ना। ड्रोन किया तो कुछ बहुत सारे चांसेस बचते हैं, और तेरे को मैप भी नहीं पता। इजी विन मिल गया उनको। ठीक है अबे बड़े ड्रॉ 2v2 हो गया ना, 2-2 हो गया ना। लास्ट मैच अगर है, लेकिन ये भाई साहब नहीं लग रहे मूड में। भाई फ्यूज कर, लेजी फ्यूज हियर, लेजी। ओके 46 सेकंड्स पंगा लेगा। You saw, oh shit. दोनों एक साथ आएंगे तो क्या होगा? मिल जाता है इसको दोनों के दोनों। ये इसने जो बैरल लगाया है वो लॉन्ग बैरल है, वो स्टेबल नहीं रहता, लेकिन ना डैमेज हेवी देता है। सो तेरे पे डिपेंड है। उसने तो जूम भी लगाया, बैरल भी लगाया, शायद वो माइनर 3-shot किल कर रहा है, मतलब 3 bullet ही चला के। ओके मैं कंट्रोल बस्ट कर रहे हैं वो। बस शूट हाँ। ये एला अच्छी है। एला का इशू एक ही है। क्या? तुम्हें चैंपियन होना चाहिए कि वो कहाँ से आएंगे। ओ। Protect the bombs. ओके मैं बैरिकेड कर रहा हूँ, और यहाँ पे फ्यूज पड़ेगा, ऊपर लकड़ी है, समझा मैं क्या बोला? मैं समझ गया समझ गया। वहाँ पे लकड़ी है तो वो फ्यूज करेंगे, ऊपर से तोड़ देंगे। मैं डिफेंड करने की कोशिश करूंगा, शायद बेनिफिट मिल जाए। मैंने बैरिकेड के ऊपर का हैच, लेकिन फ्यूज कर सकते हैं। लकड़ी फ्लोर होगा ना तो वो फ्यूज कर सकते हैं। लकड़ी फ्लोर का उनको बहुत बड़ा बेनिफिट है। कहाँ पे लगाऊं? यहाँ पे लगाऊं? एक्चुअली ऊपर लगा के कोई फायदा नहीं। ओहो नीचे डिफेंड कर रहे हैं। ऊपर मैं इसलिए बैठा हूँ, मेरे को मैप घूमना है। तू क्यों घूम रहा है? मैं पता ही नहीं, मैं तो तेरे साथ आ गया। मैं करंट लगा के आ गया उस पे। कहां से मारा? कहां था? डेड बॉडी कहां है देख इसकी? नीचे। धीरे धीरे जाओ। क्या बात है यार, तू चैंपियन होता जा रहा है, या तो तू पैनिक अटैक कर रहा है। नहीं, ये तो मैंने देख के मारा था, ये जो है ना, ये लेजी लैड्स, इसको मैं पैनिक अटैक कर सकता क्योंकि मैंने इसे पीछे देखा एकदम से, मैं इसको शूट कर देता। ये क्या था लेजी लैड्स का? साले को सबक सिखा। अरे भाई साहब MVP बन गए आप। MVP यानी मैन ऑफ द मैच।
ओह ये वो चार किल की बस है। देख तेरे का तेरा फ्रंट है, फ्रंट फेस है तेरा। अरे भगवान मेरे साथ है आज। ए आंखें देखो मेरी कितनी अच्छी है, ब्लू ब्लू। हाँ क्या क्रैश नहीं हुआ? ओ हाँ मेरे की वो ओवरक्लॉकिंग की वजह से हो रहा था। या तेरा रैम ज्यादा फाड़ नहीं सकता, मतलब मेरे को हिंदी नहीं इतनी आ रही, ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर पा रहा था। हाँ वो जीबी ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर पा रहा होगा। और इसको जरूरत नहीं है उतनी, मेरा 60 एफपीएस पे इतना परफेक्ट चल रहा है। नहीं मेरे को डाउट था कि अगर मैं ओवरक्लॉक ना करूं मे बी स्ट्रीमिंग प्लस गेमिंग ना हो पाए, तो ये डाउट था। तो आज मेरा क्लियर होगा कि मैं स्ट्रीमिंग इजीली कर पाऊंगा, क्योंकि स्ट्रीम में देख रहा हूँ साथ साथ तो बहुत सही चल रही है, स्मूथ चल रही है। कल से शुरू करेगा? ना ना कल तो कॉल ऑफ ड्यूटी है। अच्छा तो रात को मतलब तू सोचता कैसे कि कौन सा गेम कब डाले? मैंने तो पहले वीडियो डालना शुरू किया उस वो भी ज्यादा फैलाया नहीं क्योंकि मुझे कंफर्म क्या करना है एग्जैक्टली वो पता नहीं। या देख गेमिंग करना मेरे को पसंद है सबसे पहला पॉइंट। मेरे को भी पसंद है, लेकिन मेरे को फैमिली फैमिली का टेंशन है, फैमिली ओपन माइंडेड नहीं है। मैं जैसे देखिए यार मैं तो जॉब करता हूँ, ठीक है, हमारा घर का बिजनेस है, तो सुबह के टाइम घर के बिजनेस में होता हूँ, रात को जो मर्जी करो भाई, इजी पीजी। मेरे इधर टेंशन नहीं है, मेरे इतना टेंशन नहीं है, ज्यादा है कि बस अपना काम करता है बस, ठीक है। मैं एक पूछता हूँ, स्टैंडर्ड क्या है? मतलब मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास? मिडिल मिडिल मिडिल। बराबर। इशू क्या है गेमिंग अपने यहाँ मतलब टाइम पास माना जाता है ना यार, आधे पेरेंट्स तो मानते ही नहीं है ये, ट्रू है, दैट्स ट्रू। हाँ मैंने पापा को थोड़ी आइडिया दी चैनल क्या है, फिर भी उनका ये बता तेरी उम्र क्या है, तू करता क्या अभी, पढ़ रहा है क्या, क्या तू तो मेरी से, अरे मेरे भाई तू मेरी एज का ही है तू, मालूम है। फिर एनिमेशन क्या मतलब? एनिमेशन सीख रहा हूँ, 2 साल का कोर्स था, अभी खत्म होने को आएगा। ओके नौकरी लगेगी। ओके फिर थोड़ा एक्सपीरियंस मिलने के बाद शायद बाहर जाने का सोच रहा हूँ। और वैसे बाहर जाना है? ओके गेमिंग में फोकस करना है मेरे को, गेमिंग एनिमेशन। ये चीज बनती कैसे है ये क्यूरियोसिटी है मेरे को। हाँ ये होएगी होएगी, अच्छा मेरे की प्रोग्राम सीखना पड़ेगा। नहीं, कोडिंग का जो काम है, मैंने पूछा किसी से कि कोडिंग का क्या करे, वो बोला कि तेरे को फिर से थ्योरी में घुसना पड़ेगा। मैंने बीकॉम पूरा किया वो भी 55% पे, ओके, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट मर गया थ्योरी पे, तो वो बोला कि तेरे को थ्योरी पे फिर से घुसना पड़ेगा। तो नहीं नहीं यार प्रोग्रामिंग के लिए देखो थ्योरी पे घुसना नहीं पड़ेगा, बस तेको इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। देखो ना पता क्या, अगर तू एनिमेटर है ना ऑलरेडी, देखो कुछ नहीं करना भाई, देखो 25% तेरे एफर्ट्स पता है 25% कोडिंग में होंगे, 75% तेरे डिजाइन में होंगे। अगर तेको भी बेसिक स्टार्टिंग की गेम बनानी है तो उससे तेरे, मैंने अभी अभी सोचा कि गेमिंग का कोडिंग सीखना है, मतलब तेरे को आइडिया है का गेमिंग का कोडिंग? हाँ हाँ आइडिया है, अनरियल ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, उस पर कोर्सेज बहुत सारे आते हैं, उसको फॉलो कर, उसमें कोडिंग भी सिखाते हैं साथ साथ डिजाइनिंग भी सिखाते हैं। हाँ, वो छः महीने का कोर्स होता है, यूडेमी वेबसाइट है, वहाँ पे लिख अनरियल गेम कोर्स, अनरियल इंजन, अनरियल इंजन गेम कोर्स, जैसे जो बेटर पीयूबीजी है ना अनरियल पे बनी है। और तो यूनिटी सॉफ्टवेयर भी सजेस्ट किया था किसी, यूनिटी ना कर, यूनिटी ना कर, क्यों? अनरियल पे रख अपना काम, अनरियल बहुत वाइड है, बहुत अच्छा है, बहुत वाइड है। एक कैमरा है ध्यान से वो घूमेगी अक्का मैप। कैमरा अरे कैमरा और एला दोनों घूमेंगे मैप, ये तो मैच गया हाथ से, देखते हैं। मेरे को मतलब जब तुझे पता चलेगा ना कि स्ट्रेटजी हाथ के बाहर है तब तू समझ लेना तेरे को गेम आ रहा है। मैं कैमरास ढूंढ रहा हूँ इस घर में, कैमरास कहाँ कहाँ? नहीं मैंने दोनों उड़ा दिए, और दो ही होते हैं बाहर, कि जब तेरे को सर्टन होता है इस एरिया के अराउंड ही रहेंगे सब लोग, तब तेरे को कोई टेंशन नहीं रहता। जब ये हो गया कि लोग मैप घूमेंगे तो टेंशन बढ़ता है कि ना अपनी पीठ भी देखनी पड़ेगी, स्लोली आगे बढ़ो वगैरह वगैरह, समझा? समझा।
मैं दूसरे साइड से घुस रहा हूँ। कैमरा कहाँ पे है? कैमरे का प्रॉब्लम क्या है मालूम है? ऊपर से मार रहा, ऊपर से मार रहा, ऊपर से। मैं उसको ही पता लगाने गया था लेकिन मेरी गन इतनी भी फास्ट नहीं है, राइफल है। अबे मैं फ्लैश हो गया। वो मरा क्या? स्टन हुआ हुआ हूँ, स्टन हुआ हुआ। इजी। मेरे को वही डाउट है कहाँ पे होगा। ओए ये तो किस्मत है। हाँ उसने पिक किया ना, टाइमिंग भी चीज होती है। इसलिए कैमरे लगते हैं एंडिंग में ज्यादा लगते हैं। स्टार्टिंग में क्या है कि कभी कभी तू चार किल करेगा और एक तेरे के नाक में दम कर देगा, ऐसा भी सिचुएशन आता है। सो सब कुछ हो, सब इक्विपमेंट गैजेट। मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ फ्यूचर में कि मैं ये गेम खेलूंगा काफी। ये है अच्छा रे, मैंने ट्राई भी किया। मेरे को CS:GO की जगह ये गेम खेला करूंगा। मैंने क्या किया एक्सपेरिमेंट के लिए, बच्चों को ही बताया कि यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाल रहा हूं। हां और मैंने फीचर 3 डाला, डाइंग लाइट। डाइंग लाइट मुझे पसंद है। अच्छा मैंने वो डाला, वो डाला और फिर बाद में ये डाला सीज। लोग बोलते क्या तू स्टोरी वगैरह डालता है, वो गेम खेलना, वो जो 5 वर्सेस 5 रहता है सीज। अच्छा मैं समझ गया एक्सपेरिमेंट क्या कि कौन सी लोगों को पसंद, बच्चों को पसंद आ रही है। एक हफ्ते पर एक गेम। हाँ तो उससे क्या, उससे मैं क्या सोच रहा हूँ कि जो ऑडियंस होती है ना, एक हफ्ते पर मेरे को एक गेम खेलते हुए देखेगी ना, तो जो सोच भी रहे हैं कि सब्सक्राइब करे या ना करे तो कर देगा। हाँ तो मैंने ये सोचा कि मैं एक हफ्ते बस एम गेम खेलूंगा तो बंदे का इंटरेस्ट बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ ये बंदा भी है, ये भी गेम खेलता है, तो इतने में इंटरेस्ट बिल्ड हो जाएगा उसका। अच्छा। तो वो इतने में हफ्ते में मे भी सब्सक्राइब कर सकता है जो वो एक एक दिन। तेरा पेमेंट शुरू हो गया क्या? नहीं नहीं मैं तो मैंने तो मैंने ना मोनेटाइज ही नहीं किया था, तो मैं बस किया ही नहीं। मोनेटाइज पहले करके रखा था। नहीं मैंने मोनेटाइज ही नहीं किया था, तो मेरे को फिर ऋषभ भाई है उन्होंने बताया कि मोनेटाइज कर, क्योंकि वो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे जो मोनेटाइज कर रहे हैं अपना कंटेंट। नहीं मोनेटाइज के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि तेरा 10,000 कंटेंट होना चाहिए। नहीं नहीं ये क्या है? स्नाइपर शॉट, साइलेंसर है उसके बाद, इसलिए आवाज नहीं है। ओहो और मैंने बोला ना हम ब्राइट है, एक ग्रेनेड आ रहा है। क्या बोले गया, मैं क्या बोल रहा था? अरे यार बच गया मैं। शी यार हेडशॉट बैठते बैठते दो टीम किल कर दिया इसने, अपने टीम के बंदे गेम छोड़ गए। पता नहीं अपने हाथ छोड़ के दो छोड़ गए। छोड़ जाने दे। सो ये गेम तेरे लिए अच्छा है, कैजुअल भी तू शुरू कर रहा है, रैंक कैजुअल भी शुरू कर। रैंक में क्या होता है ये ना, इतना पंगा रहता है कि तेरे को प्रोफेशनली होना चाहिए उसके लिए, मतलब प्रोफेशनल गेमर। तो रैंक बहुत टेढ़ी चीज है इसमें। मैंने 4 सीजन रैंक ही नहीं खेला इसमें, क्योंकि खेलने के लिए पार्टनर 5 चाहिए ट्रस्टवर्दी, वो भी क्या ना बोलेंगे तो करेंगे। कोई नहीं मैं तो खेल लूंगा भाई, टेंशन क्यों लेता है, आप खेलेंगे। मेरे को अच्छी लगी है, मैं खेलना चाहता था बहुत टाइम से ये, पर मेरे को समझ नहीं आ रही थी कैसे खेलनी है। तो मेरे को भी अभी अच्छा लगा। तू पबजी पे रहता है ना, पबजी पे कितना व्यू काउंट ज्यादा रहता है? व्यू काउंट नहीं, व्यू काउंट के लिए नहीं खेलता मैं पबजी, मेरे को सच्ची में अच्छी लगी वो गेम।
CS को मैं खेल रहा था व्यू काउंट के लिए कि CS:GO को बहुत व्यूज आते हैं तो इसको कहे चलो कि बीच-बीच में खेल लिया करो एक बार। मेरा को वही नहीं पता चला लोगों को CS का इतना क्रेज क्यों है। GTA 5 का क्रेज है, CS का क्रेज है, उसके आगे कोई गेम दिखा तो पेशेंस तो देखेंगे। हां नहीं तो नहीं है, अपना वाला नहीं है ऐसा ऐसा चीजें बहुत होता है। अबे ना मेरे को मैं तेरे को कैसे बताऊं, एक विजिल नाम का नया अभी अभी लॉन्च किया ऑपरेटर। ओके वो क्या करता है मालूम है, वो ड्रोन में दिखता ही नहीं है। अच्छा ड्रोन कैमरा सबसे नहीं, कैमरा तो उनकी है, ड्रोन में दिखता ही नहीं है वो। सो तेरे को तेरे आंखों पे भरोसा रखना पड़ता है। ये देख ये कौन है, क्या कर रहा, शैडो भी नहीं दिखती। नहीं शैडो भी नहीं दिखती ड्रोन में। उसका डिटेक्शन कैसा होता है बताता हूँ वो है कैसा करता है। तेरा ड्रोन है ना ग्लिटर करने लगेगा सारे साइड से, मतलब बताता हूँ अभी मेरे को वो डिटेक्शन ग्लिटर करने लगा तो पता चल गया, लेकिन इशू ये है कि हम ड्रोन से उसे नहीं पकड़ पाएंगे। ओ हाय कैमरा, मैं कहाँ जा रहा हूँ? जहाँ जाना है जा, अंदर घुसने से पहले ड्रोन निकाल। ड्रोन तो मेरे पास है ही नहीं, मैं ड्रोन ना उनके बंदों के पास ले जाता हूँ अपना, वो तोड़ देते हैं। अरे दो ड्रोन रहते हैं, छह दबा। अरे दो होते हैं? हाँ तेरे को ये नहीं पता था? नहीं। विजिल बैठा है, विजिल बैठा है यहाँ पे। कहाँ पे बैठा है विजिल? यानी वही मैं बोल रहा हूँ वो। अच्छा ये बैठा है, दिखा 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 ग्लिटर दिखा तेरे को। एक मिनट ये छोड़ू कैसे, कैमरा को छोड़ू कैसे? स्पेस तो सिक्स तो आगे ना, सिक्स तो नेड है, नेड नेड फेंक देते हैं। अरे साला वो मुझे देख सकता है, मैं उसको नहीं, ऐसा इशू है। कहाँ से ध्यान से खेला? साले फायर कर रहे हैं, मेरे को पता नहीं चल रहा कहाँ से, और कैमरा घूम रही है, क्या बात है। चल पकड़ लिया भाई, पकड़ लिया। आएगी बाहर, मार दे उसको क्योंकि मैंने उसका दोनों हो गया ना, तूने मारा हॉस्टेज छोड़ा। दोनों हो गया सही वे। उनके प्लेयर कम है नहीं तो, अभी तीन थे। अच्छा हाँ तूने एक मारा। हाँ नहीं दो मारे। हाँ तूने दो मारे, एक किसी और ने मारा मालूम नहीं। ये क्या आवाज होनी? ऑपरेटर के बारे में ऑनलाइन बिगिनर्स ऐसा हर एक गेम का रहता है यूट्यूब पे डालने का, रेनबो सिक्स सीज बिगिनर्स गाइड। सो कोई ना कोई आइडिया देगा कुछ, समझा? मैं देखता हूँ जो गेम में मेरा इंटरेस्ट बन जाता है ना उसकी मैं गाइड जरूर पढ़ता हूँ हाउ टू इंप्रूव गेम, क्योंकि वीकनेस तेरे को वीकनेस पता होने चाहिए हर ऑपरेटर को। अब शील्ड वाले जो बंदे हैं ना उनका सबसे बड़ा वीकनेस ये है कि वो लोग गेम नहीं कर पाते, मतलब पिस्टल से क्या मारेंगे दूर तक। सो तो वो लोग है ना शील्ड का बेनिफिट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनको शील्ड निकालने मत देना, तो उनपे एम करके रखो या भाग जाओ वहां से, पर एम करने मत देना तुम पे, समझा? तो सब तो एम ही नहीं करने दूंगा इनको मैं। शील्ड दिखी तो या तो भाग जाओ। ये एक ड्रोन है ना शॉक ड्रोन है, वो ट्विच का रहता है, उसका गैजेट है। कहाँ से मारा उसने? शॉक ड्रोन रहता है वो, कैमरा भी मेरा शॉक ड्रोन से ही फोड़ती है ट्विच, और भयानक रहता है उसका क्योंकि तेरे सारे गैरेज को डिस्ट्रॉय कर सकती है सिर्फ एक शॉक ड्रोन से। तेरा शॉक भी ए यहाँ लगा ना एक, कहाँ पे? और मैं यहाँ पे अच्छा मैं बेपा है, हाँ मैं लगा रहा हूँ। कहाँ
कहां से आएंगे ये सामने एक सामने देख विंडो पे अभी बिजली स्नाइपर है स्नाइपर मैं बच गया भाई अभी अरे मैं पिक कर रहा हूं पागलों की तरह मैं नहीं जाऊंगा हम तो नहीं जाएंगे बाबू कहां से मार रहे ओ ग्रेनेड ग्रेनेड ओए या भाई ध्यान से केयरफुल केयरफुल इन विंडोज पे पिक कर रहा राइट वाली विंडो से हां दोनों तरफ से पिक करते हैं मतलब मैं मरने वाला हूं बाय द वे हम बचाएंगे आपको टेंशन नहीं लेना सेंसर डिप्लॉयड कोई मर गया ऐसा मत किया कर वो धुन लगा के बैठता है कहां पे ये रहा यहीं पे यहां सामने दिखेगा हां नाइस देख देख कैसे मारो देगा कैसे मारो देगा हो गया तो भाई ये क्या हो गया भाई चमत्कार सही है ये मस्त आ गया वो ऐसा ऐसा बैठा था यहां विंडोज ये ऐड है उसको तूने इसका वो ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 क्या चीज है वो अच्छा वो ऑपरेटर्स नए लॉन्च करते हैं ना उसका सीजन पास देते हैं मतलब है ना तूने तूने रिनाउन नहीं कमाने मतलब ये जो है ना हां पॉइंट का वो उससे नहीं खरीदना तेरे को फिर बाहर से खरीदना पड़ेगा तो सीजन पास चाहिए तो हर एक ईयर का है मतलब हर ईयर में उन्होंने चार प्रकार के ऑपरेटर्स मतलब डिफेंडर समझ गया दो डिफेंडर दो अटैकर्स लॉन्च करते हैं हर साल हां तो खरीद अगर आप पॉइंट्स इकट्ठे करके खरीदना नहीं चाहते तो आप ऐसे खरीद लो मेरा इशू ये है कि मैं यूप्ले पे खरीदा मतलब कैसे कि ऑनलाइन मंगाया पहले कांसेप्ट पता नहीं था कि ये ऐसे डाउनलोड करके तो यूप्ले पे सिर्फ रजिस्टर हूं स्टीम पे नहीं और स्टीम पे अपनी रुपए की करेंसी है यूप्ले पे नहीं यूप्ले पे डबल चार्जेस पड़ते हैं फिर करेंसी डिफरेंस की वजह से तो तू तो तू खरीदेगा फिर नहीं कभी नहीं क्योंकि डबल पड़ेगा मेरे को मुझे बाहर जाके ही खरीद सकता हूं मैं अच्छा तूने अच्छा तूने यूप्ले से खरीदा है तो अब तेरे को डबल पड़ेगा हां मैंने तो स्ट्रीम से खरीदा है मैं तो स्ट्रीम से खरीदा है हां स्टीम स्टीम रुपीस से तू खरीद सकता है सीजन पास आसानी से सही है अगर मैं कन्विंस हो गया तो मैं इसके सारे खरीद लूंगा मेरे को तो पैसे पड़े ही है 300-400 रुपए तो पड़े ही है स्ट्रीम के अंदर PUBG के क्रेट्स बेच के अभी मेरे पास अरे हां वो भी मुझे बताना CS की स्किन वगैरह अगर बेचनी हो तो कैसे बेचते हैं क्योंकि मेरे को कम्युनिटी मार्केट होती है उसके अंदर हां पता है लेकिन है ना उनका रेट तो कभी-कभी इतना लो रहता है मेरा अरे वो तो आज की रेट में फायदा नहीं है वो तो PUBG के क्रेट्स तो इस करके आए क्योंकि वो पता नहीं कुदरत का करिश्मा ही है इतने पैसे कैसे बना रही है वो जैसे तो वो रैंडम ही है कुछ लोग स्किन के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उनको उतना फाइनेंशियल सपोर्ट भी रहता है सो मेरे को स्किन का कुछ पड़ा नहीं है अगर उसके बदले में पैसे आ रहे हैं तो मेरा नया गेम आ जाएगा PUBG नहीं यार मेरे की CS:GO का स्किन्स का तो इतना नहीं पता मेरे को तो इतना पता है PUBG खरीदी थी मैंने 4-5 डब्बे वो गेम्स वो वाले खरीद लिए थे Gamescom वाले और वो 500 के डब्बे हुए पड़े आज अभी वो कह रहे हैं कि उसका रेट बढ़ जाएगा तो मैं नहीं बेच रहा नहीं नहीं तो पागल नहीं मैं तेरे को बता रहा हूं नहीं नहीं मैं टाइपिंग को रीड कर रहा हूं तेरे को नहीं lol in casual नहीं उसके पहले लिखा था एजेंट विद 126 लेवल एंड स्टिल इन कैजुअल तेरा 126 लेवल कैसा दिखा इन्होंने देख टैब दबा के सबकी इंफॉर्मेशन निकल सकता है तू ऑपोनेंट्स की भी उस पे टैब एंटर दबा उसका लेवल उसका और मतलब तो बंदे इतना टाइम लगाते हैं हर एक का लेवल देखते हैं हां तो एनालिसिस होता है ना एनालिसिस होता है कोई कौन कितना बड़ा चैंपियन है किसको कितना अंडर एस्टिमेट करना है ये हमको डिटेक्ट कर लिया किसी ने तुझे किया ना मैंने एक कैमरा तोड़ा मैं दूसरा तोड़ रहा हूं इशू ये है भाई साहब
जो मुझे चाहिए अभी फाउंड हुआ. तो भाग भाग के खेल रहा हूँ भाई. हम मैं ना है पेशेंस. अरे मेरा अभी माइंड पूरा ब्लैंक है. आई डोंट नो ऐसा हुआ है कि पूरा ब्लैंक हुआ हूँ मैं. क्या करे सोच नहीं पा रहा हूँ. साले एक एक इतना पंगा कैसे ले रहा है. अरे इधर 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 जल्दी यार. कॉर्नर में था साला. मेरा दिमाग नहीं चल रहा आज. कॉर्नर एकदम कॉर्नर में पीछे पीछे वो भाग के आया. अरे ये राइट वाले कॉर्नर पे था. नहीं डजू का भाग के आया तेरे पास. अंदर था. कैसा मरा मैं. टाइमिंग भी प्रॉपर चीज होती है. अगर एक्यूरेट टाइम पे नहीं अटैक करो तो होता है कि वो सोचने लगते हैं फिर वो उनकी स्ट्रेटेजी क्रिएट हो जाती है. हाँ इतनी देर में हो जाती है. सो कभी कभी रश करना पड़ता है. अभी मुझे पता चला कि डजू का पूरा प्रिपरेशन के साथ है. उसको मैप पता है वगैरह वगैरह. सो उसको स्लो करने के लिए मैं ट्रैप वाला कोई तो ले लूंगा. The gun never seemed to like the owner. What the hell? They are talking about me. Fortify the room. Of course. You need to keep the hostage secure. Forget it. अभी अपना अपने दिन नहीं. कभी-कभी है ना मैच पलट जाती है. So relax. मैं क्या करूँ सोच रहा हूँ. मैं बाहर जा रहा हूँ. अच्छा रन कर रहा हूँ. मैं actually slow operator हूँ. तो risk ले रहा हूँ. फिर भी देखते हैं क्या होता है. EDD mounted. Let them come. 10 seconds left. Find Gemma. Ambush hit. Stay clear. 5 seconds. Hitting Gemma. Swarming back. Be advised, op 4 has visual on the hostage. अबे अंदर जा वो रश करेंगे शायद. हाँ शुरू हो गया उनका. अंदर मैं अंदर ही हूँ ना. किचन के अंदर. किचन के अंदर. किचन कहाँ पे एरिया. अंदर देख रहे हैं वो बाकी लोग वहाँ पे. आ गया अंदर आ गया. मेरे को सिर्फ आवाज कहाँ से आ रही है वहाँ पे करके बता. बाकी मैं ऊपर से विंडो से शायद मार सकूँ. मेरे को वही मारने लग गया. विंडो बहुत है यहाँ. कहाँ से ये. ओ, मेरे में नीचे से. नीचे जेड से अटैक करना. मैं आर्मर तो पालू. मैंने आर्मर ही नहीं पाया. क्या करूँ. हाँ एक मेरे सामने की ओर भी है. उसने रास्ता दरवाजे तोड़े हुए हैं. साले ने ब्रीच किया लेकिन ध्यान नहीं दिया. आप उसकी टॉन्टिंग का वो जरा. कहाँ पे मेरे सामने. अरे उसकी राइफल है साले की. हट कहाँ पे. ये बार में. बार में. बार बार में कहाँ पे. नीचे नीचे. अब कैसे बताऊँ. देखो जो किचन के राइट साइड में. साले दोनों एक्सपर्ट निकले.
अच्छा वहां पे मैं इजीली मार देता है, मेरा एम ओ शेक कर गया बोले। अरे इसने पकड़ लिया। हां तू ही है, तू ही है। नाइस, एक और होगा यहां पे, पर उसका एक्यूरेसी अच्छी थी। ओ शॉटगन से पेट दिया, पिघल दिया साले के अंदर। वो गन पकड़ के पीछे फेंक गई। बहुत गंदा मरा वो तो। वो कह रहा था कि भाई हेलो कौन है, बोलता है फक ऑफ, शॉटगन वाला कहता फक ऑफ। वो कह रहा है ट्रिक ऑर ट्रीट, बोलता फक ऑफ। नहीं बाढ़ में जाए ज्यादा अच्छा लगेगा। बाढ़ में जा साले, बोला घर में वो करा नॉक नॉक, बोला बाढ़ में जा भाई कौन है, बाढ़ में जा साले। कौन है क्या लगता है। मतलब किसी तू GTA 5 खेला है? हाँ हाँ, PS4 पे काफी खेला। ट्रेवर है। बोले कौन है फको, कुछ भी फको। यार ट्रेवर कैरेक्टर इतना हिट हुआ वो, उसको डायरेक्ट एक इंटरव्यू में डायरेक्ट बोला था सर आप गालियां दो ना, डायरेक्ट बोलो ना फक योरसेल्फ डायरेक्ट बोलो ना। हाँ वो गया उसके कैमरे के मुंह पे बोला गो फक योरसेल्फ भाई। वो मतलब सब लोगों ने पसंद किया उसको। अरे उसको तो एक टॉप टीवी शो में लिया हुआ है, कहाँ से हो गया मैं, कैमरा तोड़ो भाई। कैमरे का इशू नहीं है, मेरे को इशू है कि वो लोग एग्जैक्टली मालूम है कहाँ से मारना है उनको। उनको स्ट्रेटेजी मिल गई है, मेरा डर है मुझे सिर्फ फिगर आउट करने का। ऊपर से मारेंगे, ऊपर से जंप करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अरे जामर लगा दिया साले ने। अच्छा कोने में एक है, टैग किया मैंने, तू जंप कर सकता है लेकिन बाकी लोगों कहाँ पे देखना। जंप करना है तो जंप कर, पर तेरे को फिर से 180 शॉट मारना पड़ेगा लेफ्ट में। अच्छा बाहर है, दो लोग हैं, एक अंदर आ गया। अब तेरा वो जो फेवरेट ऑपरेटर है ना, स्वैपिंग बैग्स, वो बना है वो। साला क्या करूं क्या। अच्छा ध्यान लगा के एम दे। नॉकआउट किया। यार साले ने तो पूरा एक्सपोज कर दिया, अब एंगल देके मारना पड़ेगा। मैंने इंजर किया उसको। हाँ वो हील कर देंगे। नहीं मेरे पास में ही है वो जा नहीं सकता कहीं। उसको अच्छा। बंदों को आना पड़ेगा उसको हील करने के लिए। कॉर्नर पे तो एंटर करूँ मैं? मारा, मार ही दिया। कैमरा कहाँ पे? कैमरा उड़ गई। कैमरा कहाँ पे? भाई मेरे पास एक कुत्ता मरा ही नहीं था ये। मेरे को लगा मैंने इसको मार दिया। नाइस तू मरा इसलिए मुझे पता चला ना एटलीस्ट। हाँ वही तो, ये भी चलता है बेट बढ़ेगी एक दूसरे को ना वो करना पड़ता है। कभी कभी सुसाइड करना जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है ये तो मैं मानता हूँ। क्योंकि है ना कभी कभी है ना दो तीन लोग होंगे ना एटलीस्ट हमको राउंड विन तो मिला।
वही तो, वो कई बच्चे होते नहीं समझते, मैंने देखा है, मैंने देखा, मैं मानता हूँ। वो गालियाँ देते हैं यार मेरे को कि मार बेट करा दिया। हाँ मैंने देखा, मैंने बच्चे देखे हैं। तेरे को मैच जितने जितनी है वो कि क्या? और कि इसमें भी यही एटीट्यूड है सब न्यू प्लेयर का, मतलब कि है ना किल चाहिए मेरे को, हार हो या जीत, हार हो जीत, वही किल चाहिए मेरे को। भैया तू तो सही बंदा यार, भाई तू तो सही मिल गया, तो रोज बात होया करेगी अब है एजेंट। हम देखो भी मेरे को साइकोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं लोगों को पढ़ता हूँ, अपोनेंट्स को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मतलब थियोरेटिकली नहीं, थियोरेटिकली जाना ही नहीं है किसी चीज में, लेकिन लोगों को पढ़ने में अपना मजा है। Agreed. अब हम हमारी एक राउंड विन चाहिए हम, और उनको तीन दो राउंड सो वो लोग कितने डेस्परेट रहेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है विंडो से पिक करेंगे, विंडो से उल्टा लटक के मारेंगे साले। अच्छा ऐसा भी कुछ होता है? हाँ हैंग करके उल्टा लटक के मार सकते हो। मैं स्पॉट कैसे हो गया? तेरे को सर ऊपर से लटक के आता हुआ दिखेगा, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं समझ गया, एक बार मरा भी था अभी मैं। तो तेरे को पता नहीं चला क्या ऐसा ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं नहीं पिछली गेम में, पिछली गेम में मुझे लगा तेरे को पता नहीं चला कहाँ से गोली पड़ी कहाँ से। वो तो जब किल कैम देखा ना तब पता लगा था मेरा। एक्चुअली मैं दूर रह रहा हूँ ताकि पीछे से आके मार सकूँ, देखते हैं। ओ शिट मैंने पूरा ही तोड़ दिया। तू ज्यादा पिक मत कर, ठीक है कर दे। सिक्योर्ड विंडो। मैं ये ले लेता हूँ। लाइव स्ट्रीम पे मजा आने वाला है। You have entered an enemy controlled area. Leave. Reloading. अब मत जा। ऐसा मत भी मत किया कर। वो है ना जब तक तू बैरिकेड कर। फ्री फायर कर देंगे। हाँ उससे पहले ही शूट करना शुरू कर दे। तू बिल्ड कर रहा है और शूट कर रहा है। अबे मैं बचा हुआ। कहाँ से? मेरे सामने से मारा, मैं कैसे समझाऊ? ग्लास है उनके पास, वो स्मोक के थ्रू देख सकता है बाय द वे। अच्छा ग्लास, हाँ तो स्मोक के थ्रू देख सकता है ग्लास, उसको वो बेनिफिट है। अभी मारता है इस ब्लैड को। उनको रोकना है, कभी कभी क्या करना है, तेरा टाइम 2 मिनट है ना, थोड़ा टाइम खा के फिर पंगा लेना है, समझा? अभी मैं थोड़ा रुकूंगा क्योंकि स्नाइपर है ना, तो रुकना पड़ेगा, डेस्परेट करना पड़ेगा उसको। शिट। मैं आया। नहीं नहीं स्नाइपर है ना तो पंगा हो गया, लगा ही मेरे को। यहाँ पे बंदा है, ये जो ओपन विंडो है ना यहाँ पे बंदा है। अरे पीछे देख। शिट। आएंगे अंदर अब। अरे ले लिया उन्होंने, हार गए। मैंने होस्टेज मार दिया, मेरे टीममेट मारना था, होस्टेज मार दिया। ठीक है। अरे कोशिश तो की तूने, होस्टेज मारे ठीक है ना, कोशिश की तूने साले, हमारे तो हाथ से। ये लोग चूतिए रहते हैं रे, मतलब मैं आप गाली ही दे रहा हूँ लेकिन इनका ईगो कभी कभी देने में मजबूर कर देते हैं। वो मजा कर रहा, नाउ दैट्स व्हाट वी नीडेड। नहीं अब टफ फाइट है, 2 vs 2 ना। नीड टू रिकवर द हॉस्टेज। मैं पहले कैमरा तोड़ूंगा सालों का, नस मतलब वो रहता है ना, इंपॉर्टेंट वही तोड़ता हूँ।
मेरे को पता तो चले कहाँ कैमरे है। मेरे को पता ही नहीं ऊपर वाले फ्लोर पे कैसे जाना भाई। स्टेयर्स होंगे ना ये रेशियस। हाँ इनकी नस काटनी पड़ेगी। ये ले ऊपर ही है। मैंने एक को पकड़ा। 10 seconds to go. ले शॉक ले। ओए होए तोड़ दिया कैमरा। 5 seconds. साले ने पंगा ले लिया मेरे से। सबसे बड़ा बेनिफिट है रूफटॉप पे चलो। चलो। बच्ची हाँ क्योंकि है ना ये ले कैमरा तोड़ने दे। एक यहाँ पे। ये दूसरा? ये उस कॉर्नर अपोजिट कॉर्नर यहाँ। इसने फाइट ले ली। रूफटॉप्स पे चलो। नहीं वो डायरेक्ट विंडो से जा रहा है। मेरे को लग रहा है मरेगा। रूफटॉप पे ना एक एंगल दे सकते हैं। मैं वही ट्राई कर रहा हूँ एंगल देने की ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे है। अब तो उनको पता लग गया होगा रूफ से आ रहे हैं। रूफ नहीं वो लोग छुप सकते हैं। मैं तो सिर्फ डरा रहा हूँ। अब जाना तो कहीं और से है। यहाँ ब्रिज कर। कैसे ब्रिज करूँ? बटन दबा। मिडल माउस बटन दबा। तोड़ दूँ। एम लगा। हो गया। ये तेरी एबिलिटी है। तू वॉल भी ऐसे ही तोड़ सकता है। मैं ड्रोन डाल रहा हूँ। तू भी ड्रोन डाल। ओके सिक्स तो आ गया ना। हाँ सही एंगल। हम यहाँ से आ सकते हैं। आ सकते हैं लेकिन मेरे को लग रहा है ट्रैप है। मैंने C4 फोड़ दिया उनका। अरे एक एक वीकनेस है। एक वीकनेस है। नहीं नहीं कॉर्नर में बैठा है रे भाई। जावे तो बेडरूम के कॉर्नर में बाहर निकलते ही वो बाथरूम के बाहर निकलते ही समझा मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। बाथरूम के बाहर निकलते बेड के नीचे सोया है वो। सुला दिया इसको। भाई को नींद आ रही है तो टेंशन नहीं लेने था। हाँ टेंशन नहीं लेने का भाई। आप सो आप जितना सोने सोता चलो। ये भैंस किया कौन मार गया? ओह बॉय मैं पैनिक हो गया। मेरा एम यहीं पे बंदे हैं। ले इनकी ले लेता हूँ। ओह लेटा हुआ था। ओह शिट तेरे को पता नहीं लगा होगा ना वो मरा हुआ था। नहीं यार मेरे को भी एक पल के लगा कि वो मरा हुआ। नहीं नहीं मर मैं ऊपर देख रहा था। रेड डॉट का वही बंदा है यार। दूर तक नहीं दिखता ये। अब बाकी के ढंग से कर रहा है इसने। ये क्या किया? जैमर जैमर रफली जैमर। इट्स प्रोनिंग देयर। इट्स प्रोनिंग सो बी केयरफुल नियर द विंडो। प्रोनिंग प्रोनिंग प्रोनिंग। नूब है नूब है साले। ये अबेली तो रिक्रूटमेंट लेके खड़ा है मतलब। ना भाई ना ना मुन्ना ना। ये दूसरा ब्लैक बेल्ट क्या कर रहा है? Four last operator standing. मैं स्विच कैसे करूँ? इस पर डी दबा के ना। He's running. He's coming towards you. Okay. Noob. बोला ना। Four neutralized. ये वाला। ये क्या? ये कौन सी विश चला भाई? पागल हो गया था। Desert Eagle. ते CS में तो मिली होगी। अच्छा Desert Eagle हाँ। बेकार है मैं उसका बेकार। मतलब मैं तेरे को step mouse खींचना पड़ता है नीचे। ओह देखो कितनी बड़ी लग रही है पीछे। वो टेररिस्ट लग रही है सीएस की। सही पे तो पबजी की लग रही थी। पबजी में भी स्कारल है ना बड़ी मस्त लगती है। चल आखिरी के खेलते हैं फिर उसके बाद चलते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। सही है भाई। आज मेरे घर पे कोई नहीं है इसलिए मैं बिंदास हूँ। अच्छा अच्छा आ, आ. मेरे घर पे तो भाई मेरे बुआ भी आई हुई है। मेरे तो उल्टा डबल हुआ हुआ अभी। तो तेरे रूम क्या सेपरेट रूम है?
हाँ सेपरेट है ना तभी तो बचा हुआ हूँ मेरी भी है लेकिन फिर भी आवाज चले जाती है साइड रूम में सोते हैं वही 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 मेरा टॉप फ्लोर है वही मेरा टॉप पहले मेरा साथ वाला होता ना मेरा अभी जब नया बनाया तो टॉप पे आ गया मैं भाई साहब अभी तो बचा पा रहा हूँ पहले तो मेरे को 12 बजे से पहले बंद कर देना होता था वो कहता है भाई तेरी आवाज आती है और कोई प्रॉब्लम नहीं है खेल ले पर खेल ले पर आवाज आती है तो कम बिना बोले खेल ले बिना बोले कैसे खेल ले तो फिर तब तक जब हॉस्टल से वापस आया तब तक बात बन गई सो तेरा अगला स्ट्रीम कब है कल आज मैं इसका क्या नहीं कर पाया क्योंकि मैं बाहर था मतलब बुआ भैया औरों के साथ घूम रहा था बाहर तो उसका क्या कर नहीं पाया कल ही है कल ही है पबजी कॉल ऑफ ड्यूटी हाँ कॉल ऑफ ड्यूटी वर्ल्ड वॉर 2 ना हाँ वो गेम ना जरा मेरे को मेरा 750T है यार मैंने तूने तेरे को पूछा भी था पबजी का क्या वांदा है उसके बाद क्या किया बताता हूँ मेरे को एटलीस्ट 60 FPS तो चाहिए क्योंकि ऑफ कोर्स पंगा किसी से फ्रंट फेस पंगा लेना है तो स्मूथनेस भी चाहिए और एक्यूरेसी हाँ उतना क्विक रहना पड़ता है तो मैंने चेक किया तो पबजी वाले मतलब सब कमेंट कर रहे थे कि ये ना एनवायरनमेंट क्लियर नहीं दिखता फिर रेजोल्यूशन तो 1600x900 करना पड़ता है सब लो रखना पड़ता है 750Ti की बात कर रहा हूँ मेरा ग्राफिक कार्ड की अब नहीं नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है वेरी लो पे भी गेम बहुत वो सही सही चलती है और वो बोल रहे थे कि एनवायरनमेंट दिखता ही नहीं है सो नहीं 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 किसने बोला पागल है फट से डिटेक्ट नहीं होता जो मेरी स्ट्रीमिंग है ना मैं वेरी लो पे ही तो करता हूँ और दूसरी बात लोग कंप्लेंट क्या कर रहे हैं कि इसमें इतने बग्स हैं और वो लोग है ना झूठा बहाना बना रहे कि अर्ली एक्सेस कुछ बोल भी नहीं सकते कभी नहीं नहीं मैं तेरे को बता रहा हूँ ना पबजी ले ले 750 सही चलेगी और मैं यहाँ पे अकेला था ना इसलिए इशू था अच्छा अब तू हाँ और पबजी 1000 का है तो पहले पापा को मनाना पड़ेगा वो तो है भाई वो उस पर तो कोई इशू कुछ नहीं कर सकते नहीं मतलब मैंने गेम का क्या है कि एक मिनट मेरे को मिले कहाँ पे तो Good work. The biohazard container has been located. कहाँ पे ऑब्जेक्टिव हो रहा अरे इनकी स्ट्रेटेजी ब्रीच वॉल ब्रीच है मतलब वॉल में होल है 5 seconds. तेरे कोई और दोस्त तुझे पता है जो सीज खेलते PS4 पे है ना वो तो कनेक्ट नहीं होंगे नहीं क्रॉस प्ले थोड़ी है मतलब मैं डाल के देखता हूँ गूगल पे ऐसा कोई सॉल्यूशन है क्या कि नहीं 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 है मैं बता रहा हूँ ना वही एक अबे ये बाहर आके मार गया मेरे को ओहो या ये बाहर एक्सपर्ट है ये एक्सपर्ट है इनसे पंगा लेना महंगा पड़े कि बाहर कैसे आ गए मतलब इनको अलाउड अलाउड है लेकिन इन्हें 2 सेकंड में अगर अंदर नहीं गए तो जहाँ पे है वहाँ पे दिखेंगे वो मतलब डिटेक्ट हो जाएंगे ब्लिंक हो जाएंगे रोमिंग विजिल साला मैं करूँ क्या वो चैंपियन लग रहा है बाहर आके मार रहा है ना ये आ गया आई सागो ओ शिट दो बंदे मिल गए अंदर कवर कर रहा था साला कोई तो उसको मेरे लग, मुझे लगा अंदर है भाई ये क्या पीट रहे हैं भाई देख तूने मेरा किल देखा ना हाँ मैं देखा था हाँ लेकिन मेरे फेस से देखा ना क्या हुआ वो अंदर भाग के गया और दूसरा एम लगा के कि उसको पता था कि कोई इसको पीछा करने आएगा शायद वर्क करेगा यार मैंने वर्क किया मुझे लगा कि हैश करने में क्योंकि उनको इतना तो पता लग गया था ऊपर ब्रीच हुआ है तो उसने देखा कि फर्स्ट राउंड में क्या होता है कि पता चलता है साले सारे के सारे घूम रहे साले अटैकर भी रश करेंगे हरामखोर ओ हैट ही लिया इसने नहीं स्नाइपर अकेला नहीं संभाल पाएगा सारे के सारे लग गए तेरे उसके पीछे ड्रोन पे चेक कर कलेगा आ गए आप 4 एलिमिनेटेड ऑल फ्रेंडलीज ये टफ जाएगा पहले ही तो बता देता हूं ये बहुत मेरे को तो मैं पहले ही बोल रहा हूं कि जीतना तो भाई शून्य के बराबर लग रहा है इनको मैप पता है और ये मैप मेरे लिए को बकवास लगता है बहुत पजल बॉक्स है ये
बहुत बड़ा पजल बॉक्स है सो क्या करे कैवेरा बनू देख ले इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि गन कस्टमाइजेशन करके करते वक्त बहुत लोडिंग होता है अच्छा तू अगर तेरे गन को एम बदलना है कभी कभी है ना मैप के हिसाब से तुझे चेंज करना पड़ता है अगर क्लोज रेंज से पूरा मैप है तो तू जूम लगा के क्या फायदा सही बोला सो तेरे को मैप के हिसाब से चेंज करना पड़ता है ये एक एडवांटेज है कि है ना टाइम टिक हो रहा है वहाँ पे और यहाँ पे कस्टमाइजेशन ऑप्शन लोड हो रहा है ये एक मेरे को बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा मैं ऊपर जाके आ रहा हूँ अब कोई साथ दे दे तो अच्छा होगा ऊपर भी लकड़ा लेजेंडरी यानी वो जो पहनावा रहता है ना वो ये लोग स्किन के ये भी शिकार है तो लेजेंडरी बेचने लगे हैं वो लोग भाई मेरे को तो डर लग रहा है जितना तू मेरे को बता रहा है इनके बारे में मैं आ रहा हूँ हम तो सुसु कर देंगे ओह शिट प्रोटेक्ट द बायोहैजर्ड कंटेनर आ गए अंदर आ गए वो शी मेरे मैंने क्या कहा वो फोन बजता तो पोजीशन मिल गई इनको मतलब सुनाई दी गई भैया मेरे को आर्मर लेना है मैं क्या करूँ अब क्या हुआ क्या हुआ स्टेयर्स पे शिट साली को पता था मैं वहां से आ रहा हूँ उसने वाइब्रेशन सुना हट यार साले ने वाइब्रेशन सुना ये क्या नया ऑपरेटर लाया है उन्होंने कि हैप्पी न्यू ईयर लिख रहा है हाँ हमने हमको क्लोज कर दिया था मतलब हम बाहर ट्रैप हो गए थे मेरे कि हम अंदर नहीं आ पा रहे थे हाँ ऐसे साइको रहते हैं तू कुछ नहीं कर सकता ये कैजुअल समझ के छोड़ मैं रेड डॉट लगा रहा हूँ रेड डॉट लेजर नहीं चाहिए मेरे को साला साइलेंसर नहीं है कैमरा तोड़ने के वक्त आवाज होगा और ये सही है लोग आवाज सुन के ही मार रहे हैं लोकेट द बायोहैजर्ड कंटेनर भाई अब तो मैं तेरे को सिर्फ एक सजेशन दूंगा ड्रोन कर पहले दोनों ड्रोन यूज कर चाहिए तो और ड्रोन कर मिल गया द बायोहैजर्ड कंटेनर हैज बीन लोकेटेड हेलो विजिल मिल गया सालों ने एम्बुश बहुत अच्छा क्रिएट किया है वॉल ब्रिज किया है और चारों तरफ से एंगल लगाया है सो तू एक को मारने जाएगा बाकी दूसरे पिछवाड़े से लगेंगे गोलियां तो एंगल उनका अच्छा है दूर से मारना पड़ेगा प्रॉब्लम ही है कर देखते हैं क्या होता है बाहर आएगा ध्यान से खेल बाहर आएगा देखा साला बैठा ही स्टेयर्स पे ऊपर से मार रहे वहां पे मिला देखा मेरे को स्नाइपर एसोस ओए सगो मारो मेरी मराठी थी उसका मतलब क्या था मतलब है ना कंट्रोलिंग मतलब था मां का पति समझा कुछ तो समझा आइसा गो मीन्स किसी को अगर गाली देनी है तो इनडायरेक्टली उसको मतलब
माँ का पति ये मीनिंग है, मतलब माँ की शुरू शुरू हुई पति पे हो गया, एंड हो गया। सही है। आयशा को बोला मैं गलती से। इधर ट्यूशन क्लासेस हो रही है भाई कालियों में है। अगली बार गाली दूंगा तो हंसने लगे। ओए कौन मारा? और अपना बंदा मारता। अरे साले कौन कॉन्फिडेंट है, मैं करूँ क्या? अरे यार ये मार कहाँ से रहे हैं? ये ऊपर से विंडो से है, ये विंडो से। और मैं फास्ट नहीं हूँ अभी, सो एम नहीं लगा सकता। कोई बात नहीं, ऐश ही बचा है हमें। तो बाहर निकला ना साला। अच्छा तू मारा? उसको मेरा ये चलना जाए या ना जाए अकेले आगे। अच्छा हम दोनों ही बचे हैं। वही तो ठीक है, टैक्टिकली खेलते हैं, दोनों तरफ से प्रेशराइज कर। हो जाएंगे ये प्रेशराइज। तू शूट शुरू कर, डिस्ट्रैक्ट होंगे। बस बस बस। फोर लास्ट ऑपरेटर स्टैंडिंग। अच्छा दूसरा मिल गया। He went outside. Okay. Marking, mark. मैंने बोला ना डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मेरे को एक किल मिल गया तेरे वजह से, और दूसरा जरा ज्यादा ही कॉन्फिडेंस था ना उसको साले को। भाग के मारा। नहीं लास्ट मोमेंट पे मैच पलट दिया हमने। सही में। मैं क्या करूं अब? ट्रैप लगा देता हूँ, स्लो कर देता हूँ साले को। ये 69% क्या है? अरे कुछ नहीं। अच्छा अच्छा पंगे ले रहा था वो, था 100% बोले नहीं नहीं 69%। We need to protect the biohazard container. Secure the room. ओके यहाँ मत बैरिकेड करना, नहीं तो करेगा तू। मेरे को बोल चाहिए वो। नहीं ये भी चाहिए, ये दोनों बैरिकेड मत कर। कौन सा बैरिकेड करूं? बाकी सब कर वहां पे। सालों के पैंट उतार रहा हूं। अबे मेरे को मार दिया। कोस किसने? मेरे को मर्गी बेगा 34 अटैक कर दिया। वॉल क्यों ब्रिज कर दी उन्होंने? मेरे को वॉल ब्रिज नहीं चाहिए था। मेरे को 34 कर दिया मेरे को। 5 सेकंड्स लेफ्ट। करूं तो क्या करूं? पहन लिया। आप कॉर्नर में बैठ और ये हैच देखने थे। हैच क्या होती है? अरे ऊपर है अपने, मैं वहां पे हूँ। ओके 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 ओके। रश कर रहे साले। ओके सुनाई दे रहा है साला। एम्बुश है, इशू ये है मैंने ट्रैप भी नहीं अच्छे से लगा। गया ये। नहीं उनको मेरे पास ही आना ना। आगे आगे मैं सब भाग के। अरे मैं फंसा क्यों हुआ हूँ? ध्यान रख ऐश आ रही है भाग के स्टेयर से, उस साइड से तू दिख रहा है वहां से। ये ऐश है ये। हाँ रेडी थी वो। ओ मैंने बोला था तेरे को नहीं। मेरे को ना इसका इस एंगल का मेरे को आइडिया नहीं था, मेरे को लगा वो जहां से मैंने मारा वहां से आ रही है, ये गलती हो गई। नहीं नहीं सीख रहा है, सीख ले। मैं और कस्टमाइजेशन के बारे में भी समझाता हूँ। हाँ। तेरा पॉइंट्स तो जमा होगा ना? मैं देखता हूँ। अब तो जाना है ना। हाँ हाँ और क्या।
कस्टमाइजेशन में क्या है, एक तो तुझे रेड डॉट से शुरू करना था, रेड डॉट मेरे पास अभी जैसे जो येलो वाला है ना वो 1700 है। अच्छा 1700 है। हाँ ऑपरेटर की कॉस्ट क्या है, 12,000 है क्या, पता नहीं। अनलॉक न्यू ऑपरेटर सेक्शन में जा, अनलॉक न्यू ऑपरेटर, ओके चेक कर, अनलॉक न्यू ऑपरेटर कौन सा करूँ, जीएसजी, रुक रुक कौन सा करना चाहिए तेरे को, तेरी एसएमजी डिफेंडर चाहिए या अटैकर चाहिए, ये तो तू बता कौन सा चाहिए। नहीं तुझे जो डिफेंडर है शॉक वाला उसे आसानी से मार सकता है। मेरे को ऐसा ऑपरेटर बता जिसकी गन मेरे को चलानी आसान लगे एज अ बिगिनर। हाँ मेरे को सोचने दे रुक, जी आई जी एन की मतलब है ना, तुझे कैसे चाहिए ऑपरेटर, फास्ट चाहिए? अभी अभी के लिए मेरे को थोड़ा फास्ट चाहिए। आईक्यू एक है लेकिन उसके गैजेट इतना अच्छा नहीं है। गन है ना अच्छी, मतलब कि क्योंकि मेरे को अभी गन से मतलब है, क्योंकि अगर मेरे को किल्स नहीं मिलेंगे ना, गन भी हैवी है। रुक, हाँ ट्विच है, ट्विच की गन भी अच्छी है। ट्विच किस में है? अटैकर में है, स्पैटनास की जीआईजीएन। अच्छा वैसा जीआईजीएन, जीआईजीएन ट्विच। हाँ ये रहा ट्विच का, ओके 12,000। हाँ तो तूने बेसिक, एकदम बेसिक गेम लिया है। मैंने 1700 का या 1500 का लिया था, तो मेरे को बेसिक ऑपरेटर 500 के लिए। मैं तो सोच, मैं तो ये सोच के लिया कि पता नहीं खेलूंगा नहीं खेलूंगा। अच्छा अच्छा अभी तो मेरे को अच्छी लग रही है। तो एक काम कर, तेरे ऑपरेटर कस्टमाइज करने लग, ऐश करेगा। ऐश तेरे को जम नहीं रही ना इतनी की जम रही? नहीं नहीं ऐश, और क्या, ऐश से तो मैंने मारा शायद। हाँ तुझे इसका एम इम्प्रूव करना होगा, लेकिन फिर मैंने मैंने इसके अंदर अभी क्या क्या खरीदा हुआ है मैं बताता हूँ। बहुत मोमेंट शेकिंग दे रहा है क्या एम लगाने लगा? नहीं तो नहीं, मेरे को सही लग रहा है। नहीं मतलब हेडशॉट दे सकता है एक ऑक से? हाँ अभी ले तो लिया था, इससे तो हेडशॉट लिया था अभी मैंने इसी वेपन से। ना बैरल में क्या है बताता हूँ, बैरल में दो टाइप है, एक कॉम्पनसेटर और एक मजल है। मजल वाली सही लग रही है मुझको, मजल और फ्लैश हाइडर भी होगा। फ्लैश हाइडर तो क्या चाहिए इतनी छोटी? फ्लैश हाइडर से फट से बैठता है, मतलब गन थोड़ी और ऊपर उड़ती है लेकिन ये देख जो मेरे को समझ आ रहा ना, reduces the overall weapon kick of single shot firing. तो muzzle fire का muzzle क्या करता है, एक bullet ही handle कर सकता है। हाँ पर compensator compensator पूरी gun handle करता है। हाँ spray handle करता है। हाँ लेकिन पहले वो respond नहीं करता, तुझे थोड़े दो तीन gun के बाद वो stability देता है। हाँ flash hider पहले stability, पहले तीन bullet में stability देता है और फरसरा से गन को मारते हैं, मतलब अच्छा ये हाइड्स द मजल फ्लैश एंड रिड्यूसेस। हां मैं सुपर फास्ट बुलेट शॉट होते हैं उससे, मतलब तू क्विक रिएक्ट कर सकता है ऐसा मेरा मानना है। फ्लैश हाइडर मैं कर लेता हूं, खोल लेता हूं मैं, अनलॉक कर लिया मैंने। नहीं फ्लैश हाइडर भी रख और कॉम्पनसेटर भी लगा, मुझे लग रहा है कि फ्लैश हाइडर नहीं कर रहा है तो कस्टमाइज बाद में कर ले। हां सही बोला। हां और अंडर बैरल वो तो ना लगाऊं अभी। अंडरबैलर लेजर क्यों चाहिए तेरे को? हाँ वो नहीं चाहिए ना उनको बताने के लिए कि मैं आ रहा हूँ। नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ पगले कि मैं रखू या ना रखू, तू उल्टा डांटने लग गया। अरे भाई और साउथ इंडियन मूवी जैसा हो गया। अरे भाई मैं को डांटते हैं, आ रहा हूँ मैं, डांट 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 डांट, टाइगर आ रहा है ना अब। टाइगर चला भी गया भाई। कौन से टाइगर की बात कर रहे हो आप? टाइगर तो चला गया। म्यूट बैंडिट, बैंडिट का मैं चला रहा हूँ, तो बैंडिट का MP7 अपग्रेड कर लेता हूँ। MP7 को अपग्रेड करो, इसके ऊपर कौन सा अलग स्कोप लगाएंगे हम? रिफ्लेक्स लगाऊं, होलो लगाऊं, रेड डॉट लगाऊं? रिफ्लेक्स सही रहेगा ना। हेलो हेलो हेलो, अरे तेरा डिस्कॉर्ड वो चला गया, तू डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर।
हाँ क्या आप से आप दे रहा नेट 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 गया था वही वही हाँ तो तो मैंने उसका भी MP7 बैंडेड का MP7 में मैंने अपग्रेड्स किए हैं रिफ्लेक्स एंड फ्लैश हाइडर फ्लैश हाइडर है ना तेरे को बहुत अच्छा है मतलब ना क्लोज कॉम्बैट के लिए कॉम्पनसेटर चाहिए ना लॉन्ग कॉम्बैट के लिए स्टेबिलिटी देगा लेकिन मुझे लग रहा है कि डैमेज कम देगा उनको ये तो मैं धीरे धीरे करके मैं वो तो मेरे को एडजस्ट करना ही पड़ेगा कि मेरे को कैसी गन फाइट करनी है इस पर्टिकुलर मैप पे अंदर वो तो मैं देख ही लूंगा मैं PUBG का मुझे सिर्फ एक डाउट है कि मेरा टाइप का गेम है कि नहीं अरे सबके टाइप का गेम है वो सबके खेलना तो शुरू करे एक बार बहुत पसंद आएगी यार और अब यार अब इन्वेस्ट तो करने पड़ेंगे ही पर है कि ये गेम है कि चलने वाली है काफी टाइम एक्चुअली एक मिनट रेंज गई मेरी वॉइस कनेक्टेड नेट का क्या पंगा है आज हेलो हेलो रुक रुक अच्छा हाँ सुनाई दे रहा है लेकिन तेरा आवाज बदल रहा है हाँ सुन एक मिनट हाँ अरे सुन 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 हेलो हाँ अरे PUBG का क्या इशू है मैंने हर डिस्काउंट पीरियड में चेक किया तो वो लोग हजार का ही रखा है कुछ भी किया तो इशू ये है कि है ना वो गेम रिलायबल है कि नहीं वगैरह वगैरह चालू था तेरे को कोई इशू हुआ क्या ना बिल्कुल भी नहीं वगैरह वगैरह बिल्कुल भी नहीं रुक मैं एक मिनट 750 TI की ना वीडियोस देख रहे ना कि तेरे को रिक्वेस्ट भेजता हूं 750 और ये सर्वर तेरा कॉमन सर्वर है हां बिल्कुल यहां पे ही होता हूं मैं हमेशा सर्वर कैसे सेम सेव करूं ये सेव होता है क्या ये मतलब ये सेव ही हो गया ये सेव ही हो गया मैंने जब जब तूने कनेक्ट किया सेव ही हो गया तो ये तेरे लेफ्ट साइड में जहाँ पे ऑनलाइन लिखा आ रहा है ना तो वहाँ पे देखो शो किया करेगा यहाँ पे क्या तेरे दोस्त आते हैं हाँ यहाँ पे सब हम व्यूअर्स सब आते हैं अच्छा अच्छा हमारे की ऑब्वियस ही बात है सब दोस्त तो यहाँ पे व्यूअर्स को भी बुला लेता हूँ मैं तो ये टीम एजेंट वाला हमारे क्लैन का है ना ये तो मैंने फिर इसी को ही अपना सर्वर बना दिया मैं चार पाँच सर्वर क्या संभालता फिरूंगा हाँ रुक ना सुन ना मेरा चैनल एक बार देख क्योंकि मुझे कुछ सजेशन चाहिए बिल्कुल स्नेक आई मैं टाइप करके रखता हूँ और ना ऐसे तो मिलेगा नहीं ये लोग इजीली देते नहीं है सो तेरे को गेम डालना पड़ेगा द विचर 3 बाद में डाल स्नेक आई मैं टाइप करता हूँ मिला क्या स्नेक आई अंडरस्कोर है अंडरस्कोर नहीं है तो एक बार चैनल चेक कर वीडियोस वगैरह सारे चेक कर और मुझे कुछ सजेशन दे सकता है तो देख क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल तेरे को एक्सपीरियंस है थोड़ा सा ही है पर ज्यादा भी नहीं थोड़ा सा ही है पर हाँ मैं जरूर तेरी उतनी तो हेल्प कर ही पाऊंगा शुरुआत में जो बाद में जो होगा वो तो रीच होगा वो तो सारे सजेशन देगा मतलब जो मेरे को हैंडल भी नहीं होगा मेरे को स्टार्टिंग में चाहिए और तेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं अरे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं यार मेरे तो अभी जैसे स्टार्टिंग में ग्रोथ ठीक हुई थी तो अभी और एक सजेशन दे सकता हूँ गेम मतलब फ्री गेम्स आजकल बहुत मिल रहे हैं तो ट्राई कर सकता है और अगर लगे तो डाल सकता है फ्री गेम्स में एक है स्टीम पे हाँ पैलाडिन्स तुझे पता है हाँ खेलिया स्नेक आइज मिल गया पैलाडिन्स द विचर 3 हाँ खेली भी है मैंने ओवरवॉच भी खेलिया खेली सब है यार पर स्टोर पे जाके सर्च कर फ्री गेम है आप पता है मैं डाउनलोड भी है मैं अभी खेल भी सकता हूँ डाउनलोडेड है ये विचर 3 मैंने तेरा गेम प्ले देख रहा हूँ पार्ट 3 एक जून का डाला हुआ है आई थिंक तूने म्यूट किया हेलो 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 ओहो हाँ 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 मैं बोल रहा था कि कहते हैं मैं अच्छा म्यूट करके बोली जा रहा हूँ मैं शिट तो मैंने के एक्चुअली मैंने के को वो किया होगा ना टॉगल सिस्टम तो जब मैंने तेरा स्नेक आई डाला होगा ना तो मैं मेरे को ध्यान नहीं दिया मैं म्यूट करते करते बोला गया हाँ तो मैंने डाउनलोड मैंने खेलता हूँ मैंने डाउनलोडेड भी है सिस्टम के अंदर तो मेरे को हाँ मैं अभी खेल भी सकता हूँ मैं सब कुछ डाउनलोडेड है हाँ मैं कहता मैं तेरे चैनल पर आ गया मैं देख रहा हूँ मेरे स्नेक आईज विचर 3 गेम प्ले पार्ट 3 और 22 मिनट की 27 मिनट की है वीडियो
हाँ द विचर 3 तो बोरिंग की है मैंने, स्टार्टिंग स्टार्टिंग था वो। अरे इन चीजों में ना जैसे पता है क्या, फर्स्ट टाइम से ही अपने फेस कैम के साथ कमेंट्री डाल। नहीं गेम प्ले तो गेम गेम फेस कैम वगैरह सब कुछ हाँ नहीं कर सकता क्योंकि ऑफ कोर्स फैमिली इशू। मैं फैमिली को बताने की कोशिश की लेकिन उनका कोशिश पता है कोशिश पता कब करी हो, जब चैनल ग्रो हो जाए। वही तो मैं ऐसा काम लगा कि बात नहीं कर सकता ना। अरे साइड में तो कुछ ट्राई करना, कुछ एडजस्ट कर अपने आप को, अपने मोबाइल को, अपने मोबाइल का फेस कैम बना दे, अपने मोबाइल का फेस कैम को रिकॉर्ड कर गेम खेलते खेलते और उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू जोड़ दे कंप्यूटर वीडियो के अंदर। मैं शायद वॉइस डाल सकता हूँ फिर भी कमेंट्री बोल रहे हैं ना वो जो। अरे यार चाहे यार 10 में से 5 नंबर की क्वालिटी आए, आएगी तो सही कुछ ना कुछ, क्योंकि ओनली गेम प्ले नहीं इतना चलेगी जितना फेस कैम के साथ चलेगी। मुझे मैंने किसी से बात की, वो बोला कि तेरे चैनल में ऐसा क्या देखेंगे लोग जो जिसकी वजह से तेरे व्यू पड़ेंगे। यस ऐसा ही पूछा उसने क्वेश्चन। हाँ तुझे प्रेजेंटेशन चाहिए, प्रेजेंटेशन ठीक से होना चाहिए। हाँ। तो ठीक है मैं तो एनिमेशन सीख रहा हूँ तो थोड़ा लोगो डिजाइन किया। मेरा लास्ट वीडियो पे मैंने नया लोगो डाला है, सो लेटेस्ट अपलोड का लोगो देख। और ये लोगो भी मैं मेरे दोस्त के साथ डिजाइन किया था तो ताकि कैची नेम हो जाए, स्नेक आए। ये बहुत अच्छा बनाया है, पर ये जो तूने बॉक्स बनाया ना स्नेक आई नीचे लिखा हुआ है, इसको खत्म कर, सिर्फ और सिर्फ सिंबल रहना चाहिए जो आंख बनाई है। नहीं लेकिन जो देख तूने जो एक बैनर लगाया हुआ है परफेक्ट है, ठीक है। ये बैनर को पता क्या कर, जो मेरे को समझ आ रहा है, ये जो तूने बिल्कुल ही तूने पोर्ट्रेट पिक्चर डाल दिया, इसको जो YouTube का एक कहते हैं 2560x1440p रेजोल्यूशन पे बिल्कुल कीबोर्ड जितना स्ट्रेच कर दे, जो कीबोर्ड के डायमेंशन है ना उसमें स्नेक आइज रख, बस सिंपल हटा दे बैनर में, बैनर में जो लेफ्ट राइट की थोड़ी थोड़ी स्पेस बचेगी ना वहाँ पे मे भी तेरा वो आ जाएगा आया सिंपल। और जो हाँ जो डीपी है ना इसकी डीपी उसके अंदर सिर्फ आंख को रख। अच्छा अच्छा हाँ ये चीज भी ट्राई करके देख सकता है। हाँ अभी तो क्योंकि चैनल ग्रो हो रहा है ना तो अभी तू फ्लेक्सिबल है तेरे चैनल। मैंने क्या इशू क्या हुआ, पहले तो घर में बिना पता चले हाँ। आगे बढ़ रहा हूँ, दूसरी बात उनको तो देखो लगता है मेरे घर वालों को पता है मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ मुझे लग रहा है नहीं पता भाई क्या कर रहा है तो उनको पता कि बस अपना उनको क्या पता बोला, मैंने बोल दिया कि मेरे को गेम खेलनी है, मैं गेम खेलने के लिए ये और फ्रंट कैमरा और इतना हेवी पीसी, मतलब तेरे मम्मी पापा को तो तुझे बताना पड़ा होगा ना। हाँ मैंने उनको ये बोला कि मैंने गेम्स खेलनी है तो उसमें ये चीजें चाहिए होती है, बोला अच्छा ठीक है ले ले फिर, पर है कि बस तो तेरे मम्मी पापा मान गए। अरे देखो क्या लग रहा भाई, मैंने पीसी के लिए मैंने 6 साल वेट किया, मैंने 70,000 जो दिया ना नए सीपीयू के लिए, उसके पहले क्या सीपीयू था इंटेल कोर 2 2GB रैम वो भी DDR1